तो आई थिंक अभी हम लाइव आ चुके हैं आ जाओ फिर से सुबह एफ पढ़ा था हमने और अब वापस हम आ गए एस एफ पढ़ने को अच्छा है ना बैक टू बैक मेहनत करेंगे है ना सुबह एफ आई आर पर मेहनत करेंगे एंड इवनिंग को शाम को एस एफ में मेहनत करेंगे इस बहाने पता है मुझे मतलब एफ़र्ट तो लग रहा है देखो मुझे भी एफर्ट फील होगा एफ़र्ट तो लगेगा आपको भी एफर्ट देना मुझे भी एफर्ट देना पर पता है एक अच्छी बात क्या है इसके चक्कर में ऐसा होगा कि मॉर्निंग को हमारा एफ हो जाएगा है ना और ऐसे एस एफ एम शाम को एस एफ एम हो जाएगा और वही अगर खुद पढ़ते हैं और तो हम आज करते एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठे रहते और एक में पढ़े रह जाते हैं तो एटलीस्ट चलो अच्छा है मॉर्निंग को हमने एफ आई आर कम्प्लीट किया है ना एफ आर पढ़ा इवनिंग को एस एफ एम पढ़ा तो मज़ा आ रहा है ना एंड टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ थोड़ा सा रिविजन वगैरह ये सब करोगे तो एकदम मतलब एक होता है ना टाइम वसूल हो जाएगा आपका क्या कहना है मुझे बताना आप और है ना मैं एक काम करता हूँ ठीक है गूगल ड्राइव जो लिंक है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग मैं टेलीग्राम चैनल पे जिस गूगल ड्राइव लिंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन बैंक रहेगा सॉफ्ट कॉपी ना ऐसे तो मैं रनिंग नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्लास के दौरान लिखूंगा तो एंड में चैप्टर खत्म होने के बाद रेगुलर मिल जाएगा गूगल ड्राइव में चैप्टर खत्म होने के बाद तो आप बाद में प्रिंट निकालिएगा अगर किसी को प्रिंट निकालना है तो डेली बेसिस में प्रिंट मत निकालिएगा आप ठीक है मैं एस एफ एम क्वेश्चन बैंक मैं इसकी लिंक दे दे रहा हूं और साथ में आई थिंक सभी ज्वाइन हो चुके हैं ना सभी ज्वाइन हो चुके हैं एक सेकंड रुक जाओ मैं ये टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो वहां से चलो मैंने डाल दिया ठीक है चल तो मैंने सारा चीज डाल दिया वहां पर अब हम स्टार्ट कर सकते हैं है ना तो आई थिंक आपके पास क्वेश्चन बैंक अभी जरूरत नहीं है क्वेश्चन बैंक वगैरह की एक बार रुक जाओ अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैं एक बार बस है ना वो जो लिंक है उसके थ्रू मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मुझे आपको दो मिनट का समय देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा आपको दो मिनट का समय मन नहीं देने का फिर भी देना पड़ेगा ठीक है दो तो मिनट रुक जाओ बस फिर हम स्टार्ट करते हैं मजा आ जाएगा आज एस एफ एम भी पढ़ के मजा आ जाएगा एंड मैं क्लास के दौरान एस एफ एम भी कहूंगा ए एफ एम भी कहूँगा ठीक है कि आगे मतलब क्या होता है ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे की तैयारी कर रहे तो ए एफ एम भी कहूंगा तो चलेगा ना कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं ए एफ एम कहूँ तो ये मत समझ लेना अरे मे ट्वेंटी फोर हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे क्या नहीं नवंबर ट्वेंटी थ्री के लिए पढ़ा रहे और हालांकि सिलेबस तो सेम ही है तो कोई फर्क तो है नहीं तो बाई चांस अगर मैं ए एफ एम भी बोलूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए चले मैं निकाल लेता हूँ सब कुछ रेडी कर लेते तो ना तो कोई स्क्रीन देखेगा आप लोगों को टेंशन ना लो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं अभी यस yes, आज की क्लास सिर्फ यूट्यूब में हम ले रहे हैं एंड कल से हम सॉफ्टवेयर में ही मिलेंगे है ना तो आप सभी को आई थिंक सॉफ्टवेयर लिंक मिल गई होगी अगर नहीं मिली तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में नंबर शेयर किया उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं वो आपकी मदद करेंगे चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं फॉरिक्स आज हम पढ़ेंगे और मैं फॉरिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बता बताते तो हम क्लास के दौरान क्या करेंगे क्लास के दौरान फटाफट से कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा उसके बाद सारे क्वेश्चन भी हम करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा तो मेक श्योर करिएगा कि जिस दिन मैं क्वेश्चन वो होमवर्क दू वो क्वेश्चन आप उसी दिन सल्टा के खत्म करोगे और साथ ही साथ में जो भी आपके क्वेश्चन मुझे लगेगा टफ है तो मैं वो आपको मार्क करवा दूंगा उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है इसके अलावा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे मैं टेस्ट सीरीज ले लूंगा तो वो टेस्ट सीरीज आपको रेगुलरली अपेयर करना है उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी पोजीशन कैसी है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी लगे तो आप उसमें मेहनत कर सकते हो एफर्ट दे सकते हो तो मेरे साथ बनी रहेगा आराम से और मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको एस बहुत ईजी लगने वाला है एस बिल्कुल भी टफ नहीं बहुत ईजी है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है किसी को भी अगर लगता है एस मेरा टफ है एस में तो पासिंग मार्क्स नहीं आते मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारे साथ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि एस ही सबसे ईजी सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ आराम से समझ में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं आती है तो सबसे सब्जेक्ट ही आपका बन जाएगा। और लिटरली बता रहो, जाएगा और एक बार मुझे कमेंट करके भी बता देना मॉर्निंग में एफआर कैसा लगा था मैं श्योर हूँ कि आपको एफ में बहुत मजा होगा सुबह हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था उसी फ्लो के साथ हम खत्म करेंगे एफ भी और एस भी उसी फ्लो के साथ हम खत्म करेंगे तो चलिए अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते जहां पर हम सबसे पहले फॉरेक्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है इस फॉरेक्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें होगी बेसिक बातें होगी वो सारी मैं इसके साथ करवाते जाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना आए तो बेसिकली फॉरेक्स के अंदर हम पढ़ेंगे क्या फॉरेन एक्सचेंज की बात करें हम यहाँ पर है ना फॉरन एक्सचेंज होता कहां पर जहां पर हम फॉरन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन करते हैं तो फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वगैरह करते तो उससे रिलेटेड जैसे कि मान लो फॉर एक्जाम्पल मैंने यूएसए गुड्स मंगवाया और यूएसए गुड्स मंगवाया पेमेंट मैं करूंगा तीन महीने के बाद तो अब यहाँ पर मेरी कंट्री में चलता है रुपया और यूएस में चलता है डॉलर तो, अब उससे आ गया। तो, मुझे तो अगर मुझे डॉलर चुकाना है तो रुपया देके पहले मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा तभी तो मैं डॉलर चुका पाऊंगा मुझे याद है मेरा फ्रेंड गया था सिंगापुर तो उसने सिंगापुर डॉलर खरीदा था रुपया देके सिंगापुर डॉलर खरीदा था फिर वो सिंगापुर डॉलर लेके वहां पर हो गया था और फिर बाद में लास्ट में जब वो वापस आया एक महीने के बाद तो फिर से जो बच्चा कुछ सिंगापुर डॉलर था उसको बेच के वापस से उसने रुपया ले लिया क्योंकि वो उसका फिर क्या करेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ जब उसने खरीदा था तब रुपये सिंगापुर डॉलर कुछ अलग भाव था और जब बाद में उसने बेचा था तो रुपये पर सिंगापुर डॉलर का भाव बदल गया तो वहां पर प्रॉफिट्स भी होता है कितने बार कितने बार लॉसेस भी होता है तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक एक करके आपको एक एक टॉपिक समझाते जाऊंगा जैसे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फॉरेक्स के अंदर करेंसी अप्रीशियशन एंड अप्रीशिएशन सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद बिडास का समझाऊंगा मैं आपको कि बिडास का क्या चीज होती है एंड ऐसे करते करते वन बाई वन हम सारे कंसेप्ट सीखेंगे तो मेरा साथ देते रहिएगा बस ठीक है और जरूर से लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में अभी नहीं करना लाइक अगर समझ में आए तो लाइक जरूर से करिएगा ठीक है चलो स्टार्ट करते करेंसी एंड आप स्क्रीन में ध्यान देते रहे एकदम अच्छे से मुझे फॉरेक्स का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा बना के देना है आप एक बार फोरेक्स का कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओगे ना तो फिर आगे आपको परेशानी या दिक्कत नहीं आने वाली अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना एकदम आराम से सुनते हैं मान लो कैलकुलेटर आप सभी के पास है मान लो वन कैलकुलेटर अगर एट्टी रुपीज में मिलता है एक कैलकुलेटर का आज का रेट है मान लो कितना है? आज मैं डेट ले लेता हूं चलो थर्टीन जुलाई को एक कैलकुलेटर का दाम एट्टी रुपीज है अब जरूरी है कि आगे जाके भी कैलकुलेटर का दम ये रहेगा नहीं आगे जाके क्या पता है कैलकुलेटर का प्राइस बढ़ भी सकता है तो क्या पता है कैलकुलेटर का प्राइस घट भी सकता है हमने ये देखा है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल वन मंथ मान लो आफ्टर वन मंथ क्या हुआ कैलकुलेटर प्राइस अब दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने बोला कैलकुलेटर का प्राइस जो है ना इंक्रीज हो गया इंक्रीज बाय टेन परसेंट तो अभी आप गए एक महीने के बाद कैलकुलेटर खरीदने को और आपने उनको एट्टी रुपीज दिया और उनसे बोला कि मुझे कैलकुलेटर दे दो पर दुकानदार बोलता है नहीं 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 अब वो दिन गए अब कैलकुलेटर का प्राइस टेन परसेंट से बढ़ गया है तो कैलकुलेटर का प्राइस टेन परसेंट से बढ़ गया तो आप मुझे बताओ टेन परसेंट इंक्रीमेंट आप किस पे लगाओगे कैलकुलेटर पे लगाओगे कि कैलकुलेटर की प्राइस पे लगाओगे कैलकुलेटर मैंने मैंने ये नहीं कहा रुपया टेन परसेंट से बढ़ गया मैं ये कहना चाहता हूं कि कैलकुलेटर टेन परसेंट से बढ़ गया तो कैलकुलेटर टेन परसेंट से प्राइस बढ़ गया कैलकुलेटर का प्राइस ही तो एट्टी रुपीज है और अगर प्राइस टेन परसेंट से बढ़ जाएगा तो एट्टी क्या बन जाएगा 88 बन जाएगा है तो टेन थाउजेंड को तो टेन परसेंट लगाऊंगा कि मेरा कोर्स को टेन परसेंट बढ़ाऊंगा है ना तो उसकी जो प्राइस है वो टेन परसेंट से बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताओ ऐसे सिचुएशन में वन कैलकुलेटर का प्राइस कितना हो जाएगा आप बोलोगे रुपीज एटी प्लस टेन परसेंट ऑफ एटी और या फिर आप रुपीज, प्लस कर दो आप या फिर आप बोलते दो देखो टेन परसेंट से बढ़ने का मतलब क्या वन रुपये का जो सामान है वो वन पॉइंट वन जीरो हो जाएगा अगर कोई आइटम का प्राइस वन रुपी है टेन परसेंट से बढ़ेगा तो वन क्या बन जाएगा वन पॉइंट वन जीरो बन जाएगा है ना अगर टेन परसेंट से बढ़ेगा तो उसका सामान वन रुपी का वन पॉइंट रुपीज एट आ जाएगा ये मुझे समझ में आ गया अब अगर मैं आपसे बोलू ये केस वन मान लो अब अगर मैं आपसे बोलू कि कैलकुलेटर प्राइस इंक्रीज बाय

रुपीज एटी इंटू वन पॉइंट जीरो एट नहीं लिख सकते आप आप बोलोगे अगर एट परसेंट से बढ़ने का मतलब वन रुपी बन जाएगा वन पॉइंट जीरो एट तो एट्टी रुपीज कितना बन जाएगा? 80 तो आप 80 करो, या फिर एट्टी प्लस एट परसेंट कर जो एट एट जहाँ सिक्सटी फोर यानी एट्टी सिक्स पॉइंट फोर होगा आपका ये।, ये आ गया मेरा चलो मैंने ये समझ लिया तो अभी तो मैंने कैलकुलेटर का प्राइस बढ़ने का बात किया अब थर्ड केस में मैं ले लेता हूं एकदम ध्यान दो तब अच्छे से समझ में आएगा कैलकुलेटर का प्राइस मान लो डिक्रीज कर गया डिक्रीज बाय टेन परसेंट अगर एक महीने के बाद मान लो कैलकुलेटर का प्राइस पहले एट्टी रुपीज था और केस थ्री में मान लो कैलकुलेटर का प्राइस टेन परसेंट से गिर गया एट्टी रुपीज था टेन परसेंट से गिर गया तो हम क्या बोलेंगे देयर फॉर वन कैलकुलेटर का रिवाइज प्राइस क्या होगा एट्टी रुपीज था टेन परसेंट से गिर गया एट्टी माइनस टेन परसेंट ऑफ एट्टी बोल दोगे आप और या फिर आप क्या बोल सकते हो रुपीज 80 इंटू क्या बोल सकते हो आप आप बोलोगे एक रुपया का सामान अगर टेन परसेंट से गिर जाता है तो वो कितना हो जाता? हो जाता है। एक रुपया का सामान कुछ भी है अगर वो टेन परसेंट से बढ़ता है तो वन पॉइंट वन जीरो अगर वो टेन परसेंट से गिरता है तो पॉइंट नाइन जीरो होता है ना तो मैं इंटू पॉइंट नाइन जीरो लिख सकता हूँ ये आप ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट नाइन जीरो लिखा मैंने है ना तो यहां पर एट्टी टू पॉइंट नाइन जीरो में कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए तो कितना आएगा ये ये सेवेंटी टू रुपीज आएगा तो यहां तक आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई यहां पर एकदम अच्छे से समझ में आया अब इसी के विपरीत अब इसी चीज को समझाने के लिए तो मैं ये बोलना चाहता हूं सुनो मेरी बात अब मेरी बात सुनोगे अब मान लो फॉर एग्जाम्पल अब इसी चीज को मैं समझाना चाहता हूं अलग वे में चलो ऐसे लेता हूं थर्टीन ऑफ जुलाई को

मैंने पर कैलकुलेटर का बेस रखा था मैंने कहा था कि कैलकुलेटर अगर बढ़ेगा तो आप प्लस टेन परसेंट कर दो, तो दो, दो। पर एट्टी तो में प्लस कर दो अगर डॉलर घटेगा तो एट्टी में माइनस कर दो तो अगर आपसे कोई बोले कि डॉलर इंक्रीज हो रहा है या डॉलर डिक्रीज हो रहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि वन डॉलर का भाव दिया हुआ है और डॉलर की बात कर रहा है मतलब ये कोटेशन जो है आपको ये समझना है क्या ये कोटेशन रुपया की बात कर रहा है कि डॉलर की बात कर रहा है आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं जो सभी लाइव देख रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड देख रहे आप मुझे बताओ क्या डॉलर की, की बात हो रही है कि रुपया की बात हो रही है रुपया की तो बात हो ही नहीं रही आप जब मार्केट में जाते हो तो आप मतलब मान लो कोई वेजिटेबल का शॉप बैठा हुआ है तो वो वेजिटेबल बेच रहा है कि रुपया बेच रहा है देखा जाए तो वेजिटेबल पे डील कर रहा है वो वन किलो वेजिटेबल का रेट बता रहा होता आपको आप दुकानदार के पास जाके मोबाइल खरीद तो मोबाइल का प्राइस बता रहा होता वैसे यहां पर ये कोटेशन किसका बता रहा है डॉलर का कोटेशन बता रहा है वो बोल रहा है वन डॉलर पे डील हम कर रहे हैं वन डॉलर खरीदने या बेचने पर रुपीज एटी लगेगा या देना पड़ेगा डॉलर की बात हो रही है तो सीधी सी बात है अगर आफ्टर वन आफ्टर वन मंथ केस अगर डॉलर इंक्रीज होता है टेन परसेंट से मैं शॉर्टकट में लिखता हूं अगर डॉलर इंक्रीज होता है डॉलर इंक्रीज वाला सिंबल दे दिया मैंने डॉलर अगर इंक्रीज होता है टेन परसेंट से तो बताओ रिवाइज वन डॉलर का दाम कितना होगा हम बोलेंगे एट्टी प्लस टेन परसेंट ऑफ एट्टी बोल देते और या फिर हम बोल देंगे रुपीज एट्टी इंटू वन पॉइंट वन जीरो

रिवाइज्ड वन डॉलर का दाम कितना होगा रुपीज एट्टी प्लस एट परसेंट ऑफ एट्टी या फिर रुपीज एटी इंटू वन पॉइंट जीरो एट या आ गया हम बोल देंगे रुपीज एटी सिक्स पॉइंट फोर ये बोल दिया और तीसरे वाले केस में अगर डॉलर मान लो टेन परसेंट से गिरता है तो बोलेंगे ठीक है रिवाइज्ड वन डॉलर का दाम कितना होगा रिवाइज वन डॉलर का दाम कितना होगा रुपीज एटी प्लस टेन परसेंट ऑफ एटी और या फिर रुपीज एंटू पॉइंट नाइन जीरो प्लस नहीं होगा माइनस होगा डिक्रीज हो रहा है ना या फिर पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो मैंने क्यों लिखा वन रुपी है अगर वन रुपी किसी आइटम का दाम है अगर वो मान लीजिए टेन परसेंट से गिरेगा तो पॉइंट नाइन जीरो हो जाएगा तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा

एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको एक महीने के बाद अगर मान लो डॉलर एप्रिशिएट करता है 15% तो हम बोलेंगे रिवाइज्ड वन डॉलर इक्वल क्या होगा हम ये बताओ अब ये जो 80 जो है ये 80 को मैं 80 बाय वन एक बार जानबूझ के लिखता हूँ। लिख सकते हैं 80 बाय 1 भी 80 होते हैं 80 बाय 1 भी जो होता है वो 80 होता है अब मुझे बताओ 1 डॉलर का भाव ₹80 रुपीज है कि नहीं है? एक डॉलर का भाव एट्टी रुपीज ही तो ये एट्टी रुपीज किसका भाव है मुझे बता सकते हो ये रुपया का भाव है कि डॉलर का भाव है रुपया का भाव तो हम सीधा सा बोलेंगे जो है ये है ये डॉलर का का भाव भाव रुपया नहीं ध्यान से पेशेंस होके बस इतना समझो मेरा कहना यह है कि ये एट्टी है ठीक है ये एट्टी रुपीज किस का कोड दे रहा आपको रुपया का कोड दे रहा है कि डॉलर का कोड दे रहा है ये बोलना चाह रहे हैं कि एक डॉलर का दाम एट्टी रुपीज है यानी ये कोट है जो दिया हुआ ये डॉलर का कोट दिया हुआ और डॉलर अगर पंद्रह परसेंट से बढ़ेगा तो आप इस पर क्या करो प्लस फिफ्टीन परसेंट कर दो और या फिर एट्टी बाई वन जो है आप इस पर दो कर दो तो क्योंकि एक रुपया बनेगा वन, वन फाइव तो आप एट्टी प्लस फिफ्टीन परसेंट कर दो या फिर एट्टी इंटू वन पॉइंट वन फाइव कर दो ये आ जाएगा कितना 90, आ जाएगा आपका इव. ये 92 आ गया आपका मैं फिर से लिख रहा हूँ अगर मान लो डॉलर गिरता है 12% से तो मैं बोलूँगा रिवाइज वन डॉलर क्या होगा मैं जानबूझ के 80 बाय वन लिख रहा हूँ ये 80 जो है डॉलर का भाव है ये 80 किसका भाव है डॉलर का भाव है डॉलर अगर 12% से गिरेगा तो माइनस -12% कर दो और या फिर 80 बाय 1 1 रुपया बन जाएगा कितना 0.88 0.88 एट एट, एट एट कर दूं 80 रुपीस में 12 परसेंट हमने गिरा दिया कितना आएगा 68 आ जाएगा थोड़ी तो 68 नहीं आएगा गलत बोल दिया 8 और इधर 9.6 यानी 9.6 यानी 70.4 आ जाएगा ये 70.4 आ जाए अब मेरी बात सुनो अब मेरा बात ध्यान से सुना एकदम मैंने ये कहा वन डॉलर इक्वल रुपीस 80 है और मैंने ये कहा आपको जो रुपीस एटी है ना ये क्या है ये डॉलर का भाव है ये डॉलर का रेट है और इसी पे हम क्या कर सकते हैं पता है, है? डॉलर इंक्रीज या डिक्रीज लगा सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं मुझे ये लॉजिक आपको एकदम अच्छे से समझाना नहीं तो अगर अभी सीख लोगे ना तो बाद में आपको परेशानी नहीं, नहीं है कि बाद में एकदम फटाफट से दो बस बात खत्म आप डॉलर का अप एंड डाउन इसमें एडजस्ट कर सकते हो समझ में आया मुझे अब मेरी बात सुनो अगर वन डॉलर इक्वल रुपीस एट्टी है तो देर फोर क्या 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 होगा? होगा। होगा? होगा। होगा? होगा। अगर one dollar equal 80 है, तो one equal क्या होगा? One by 80 dollar होगा? इसमें भी कोई आपत्ति नहीं आपको ये भी आपको समझ में आया यहाँ पर तो ये अब कोड किसका बन गया ये अब रुपया का कोड बन गया अब ध्यान रहे वन बाई एट्टी डॉलर भी करोगे तो वन बायी डिवाइड करोगे तो न्यूमिनेटरी तो आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का एग्जिस्टेंस हमेशा खत्म हो जाता है हालांकि इसका वैल्यू आएगा कितना पॉइंट इसका वैल्यू आएगा और वो पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं चलो वन रुपी इक्वल पॉइंट डॉलर अब मुझे बताओ ये जो रेट है ये जो रेट है ध्यान से देखो इसको पॉइंट बोल दो आप या फिर इसको वन बाई एट्टी बोल दो बात एक ही है क्योंकि वन बाई एट्टी करने से तो पॉइंट आया था पॉइंट वन जीरो फाइव जो है ये किसका रेट है मुझे बता सकते हो ये रुपया का रेट है ये आपका रुपया का रेट है इसपे रुपया इंक्रीज है डिक्रीज एडजस्ट कर सकते हो रुपी इंक्रीज या डिक्रीज एडजस्ट कर सकते हैं यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये एट्टी रुपीज था डॉलर का भाव था डॉलर अप एंड डाउन इसमें एडजस्ट हो जाएगा पर ये जो है ये रुपया का भाव है रुपया अप एंड डाउन इसमें एडजस्ट हो जाएगा और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं और इसे हम ये वन बाई एट्टी डॉलर भी कह सकते हैं वन बाई एट्टी डॉलर भी कह सकते हैं अब एकदम मैथ्स आपको थोड़ा सा भी आता होगा तो आपको पता है डिनोमिनेटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है एग्जिस्टेंस होता है न्यूमिनेटर का क्योंकि न्यूमिनेटर वैल्यू को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके सिंगल न्यूमिनेटर निकाला जा सकता है मैंने भी ये किया वन बाई एट्टी था एट्टी तो डिनोमिनेटर को हमने खत्म करके सीधा न्यूमिनेटर का वैल्यू निकाला तो न्यूमिनेटर का ही एग्जिस्टेंस होता है तो अब मैं अगर आपको लिखवाऊं मैं तो अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं एकदम सिंपल मुद्दे पे मैं आपको अगर ये लिखूं मैं ये लिखूं रुपी पर डॉलर या फिर ऐसे नहीं एकदम ध्यान से देखो मैं लिखता हूं वन डॉलर इक्वल रुपीज एट्टी रुपीस एट्टी बाई अगर मैं वन लिखता हूं तो आप मुझे ये बताओ एक डॉलर का भाव क्या है रुपीज एटी है आप इससे एक बार सेटिस्फाई हो जाओ क्या वन डॉलर इक्वल रुपीज एटी है है ना बस ये वाला ये वाला लाइन अच्छे से समझ लो पूरा एकदम मजा आ जाएगा आपको बस इतना मेरी बात समझो ये जो एट्टी रुपीज भले दिख रहा है पर यह डॉलर का रेट है है ना एट्टी रुपीज ये डॉलर का रेट है और वन बाय एट्टी जो है ये रुपया का रेट है वन बाई एटी जो है रुपया का रेट है मतलब अब मुझे बताओ एट्टी रुपीज और काम न्यूमिरेटर का ही होता है डिनोमिनेटर का कभी कोई काम नहीं होता वो खत्म हो जाता है तो आप मुझे बताओ एट्टी बाई वन जो है वो किसका रेट है ये डॉलर का रेट है तो मैं क्या ऊपर वाला जो न्यूमिरेटर है इसको मैं डॉलर का रेट बोल सकता हूं है ना तो यानी एट्टी रुपीजे एट्टी बाई वन बोल दो एट्टी बाई वन भी एट्टी होगा एट्टी बाई वन जो है ये डॉलर का रेट है

और वन का नीचे तो क्या मैं ये नहीं कह सकता ये नीचे जो है ये रुपया का रेट है ये समझो आप यानी अब आपको बस मैं ये समझाना चाहता हूं अगर वन डॉलर इक्वल रुपीज एटी है आप इसे रुपीज एटी बाई वन लिख सकते हैं और ये जो वन ये जो एट्टी है ये डॉलर का रेट है और ये जो वन बाई एट्टी है ये ये रुपया का रेट है वन बाई जो है रुपया का रेट है अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करें हमें कभी कोई परेशानी आएगी नहीं वन बाई एटर वन है और वन कहां पर है नीचे मतलब ये रुपिया का रेट है 80 by one का तो हम एडजस्ट करते हैं जो भी करते हैं तो अब मेरी बात सुनो अब अगर मैं बोलू आपको डॉलर इंक्रीज हुआ 15 से. अब एकदम एकदम आराम से अब आंसर आएगा आपका बताओ रिवाइज रुपी पर डॉलर यानी अब मैं यहां पर ऐसे लिखना चाहता हूं चलो मैं फिर से लिखता हूं रुपी पर डॉलर इक्वल एटी एग्जांपल लेता हूं मैं लिखना चाहता हूं रुपी पर डॉलर एटी तो यहां पर कोटेशन रुपया का दिया हुआ है कि डॉलर का दिया हुआ ऑब्वियसली डॉलर का दिया हुआ है ये कहना चाहता है कि रुपी पर डॉलर एट्टी मतलब ये कहना चाहता है डॉलर इक्वल पर डॉलर एटी पर डॉलर रुपीज एटी है एक डॉलर का भाव एट्टी रुपीज है और मैं एट्टी बाई वन लिख दू तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक डॉलर का भाव एट्टी बाई वन है और एक रुपया का भाव वन बाई एट्टी है तो यानी एट्टी वाला जो है ये किसका भाव ये डॉलर का रेट है डॉलर रेट है और वन बाई एटी जो है ये किसका रेट है ये रुपया का रेट है है ना ये रुपया का रेट है पर बच्चे पता है कंफ्यूज होते है, वो ऐसे लिखते वो लिखते हैं डॉलर इक्वल एटी वन ऐसा मतलब मत करना ये मैथ्स के चक्कर में क्रॉस रेट में करोगे फंस जाओगे उसको दिमाग में लाना ही नहीं वो सब कचरा अगर पहले से दिमाग में निकाल दो आप बस मेरा लॉजिक समझो एक डॉलर का भाव एट्टी रुपीज है यानी एक डॉलर का भाव ये है और एक रुपया का भाव वन बाई एटी तो मैंने ये लिख दिया अब अगर मैं करूं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व तो आराम से होगा देखो मान लो डॉलर जो है इंक्रीज हुआ फिफ्टीन परसेंट से तो रिवाइज पर डॉलर एटी बाई वन तो पहले से मैंने लिख के छोड़ दिया अब मुझे बताओ क्या बढ़ा है डॉलर बढ़ा है कि रुपया बढ़ा है डॉलर बढ़ा है कि घटा है? पहले बताओ डॉलर बढ़ा है तो डॉलर कौन सा एट्टी डॉलर का भाव है कि नहीं डॉलर का भाव है तो डॉलर बढ़ा है तो न्यूमेरेटर में मैं मैं प्लस कर दूंगा और या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं एट्टी बाई वन जो है न्यूमेरेटर में इंटू वन पॉइंट वन फाइव कर दूंगा मैं। मेरा आ जाएगा आप मुझे आंसर बता दो यहां पर ये पहला वाला केस दूसरा वाला केस डॉलर इंक्रीज हुआ नाइनटीन परसेंट से तो रिवाइज रुपी पर डॉलर कितना होगा मैं लिखूंगा एट्टी बाई वन है ना अब डॉलर का भाव तो एट्टी है कितने बार चिल्ला चिल्ला के डॉलर का का भाव भाव है है रुपया तो डॉलर का भाव एट्टी है।, तो है और डॉलर ही नाइनटीन परसेंट से बढ़ रहा है तो ऊपर वाले को नाइनटीन परसेंट प्लस कर दो या फिर एट्टी बाई वन इंटू वन पॉइंट वन नाइन कर दो इसका आंसर आ जाएगा मुझे बता दो फिर अगर मान लो डॉलर गिरता है डॉलर परसेंट से गिरता है ऊपर तो 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 वाला तो डॉलर अगर गिरा है तो मैं एट्टी माइनस ट्वेल्व परसेंट कर दूंगा और या फिर एट्टी बाई वन भाव टेन अगर आइटम का वैल्यू है और वन ट्वेल्व परसेंट से गिरेगा तो कितना आएगा पॉइंट क्या आ जाएगा इसका आंसर आ गया ऐसे और लेता हूं एक मान लो डॉलर आपका गिरा गिरासेंट से तो रुपी पर डॉलर कितना आएगा 80 1 है डॉलर का भाव कितना है, 80 रुपीस है। एक डॉलर का भाव कितना एट्टी रुपीज आपका है ना एट्टी रुपीज है अब ये नाइन परसेंट से गिरेगा तो माइनस नाइन परसेंट करूंगा और या फिर एट्टी बाई वन इन पॉइंट नाइन वन लिखूंगा मैं यहां पर

अगर इंक्रीज होगा तो 80 प्लस कर देंगे अगर डिक्रीज होगा तो 80 माइनस कर देंगे देखो पहले दो केस में इंक्रीज हो रहा है तो मैंने प्लस किया है दूसरे दो केस में डिक्रीज हो रहा है तो मैंने माइनस किया पर जो भी किया मैंने न्यूमेरेटर में किया क्योंकि न्यूमेरेटर वाला ही डॉलर का भाव है तो डॉलर जब भी अप एंड डाउन होगा डॉलर जब भी अप एंड डाउन होगा किस में होगा न्यूमेरेटर में होगा देखिए हमेशा मैंने न्यूमेरेटर में किया है अप हुआ है तो प्लस किया है डाउन हुआ है तो माइनस किया है चारों का वैल्यू मुझे आप बता दो कितना आएगा पहले वाला आ रहा है कितना 92 टू आ रहा होगा पहले वाला है ना दूसरे वाला कितना आएगा आपका कैलकुलेटर फिर से कहा गया एट्टी इंटू वन पॉइंट वन नाइन ये आ गया 95.2. फाइव पॉइंट टू तीसरा वाला एट्टी माइनस ट्वेल्व परसेंट सेवेंटी पॉइंट फोर एंड चौथा वाला एट्टी माइनस नाइन परसेंट सेवेंटी टू पॉइंट एट समझ में आया अब मुद्दा आएगा चलो अब पांचवा केस में लेता हूं इस बार में रुपया लेता हूं रुपया मान लो इंक्रीज हुआ थर्टीन परसेंट अब आएगा ना मजा अब मजा आएगा आपको देखो रिवाइज रुपी पर डॉलर कितना लेंगे जरूरी एग्जाम में ये सब चीज क्लियर नहीं होगा तो पंगा आएगा मुश्किल आएगा इसलिए जरूरी इसलिए क्लियर कर लो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं पहले क्लियर करवा दे रहा हूं आपको मैं तो रिवाइज रुपयी पर डॉलर क्या होगा एट्टी बाई वन

मतलब रुपया का भाव का न्यूमिनेटर वन है वन बाई एट्टी है तो मैं इसके साथ छेड़छाड़ करूंगा तो आप बताओ थर्टीन परसेंट से बढ़ रहा है वन प्लस थर्टीन परसेंट कर देता हूं और एट्टी बाई वन इंटू वन पॉइंट वन थ्री कर दो आप वन प्लस थर्टीन परसेंट कर दो या फिर इंटू वन पॉइंट वन थ्री कर दो इक्वल आएगा एटी बाई वन पॉइंट वन थ्री 70 .80. 70 .80 आएगा आपका ने इसको कर दिया हम इस तरीके से निकाल इंक्रीज 6 से निकालेंगे रुपया हुआ तो अब बताओ देखो रुपी पर डॉलर एज इट इज छोड़ दे हम निकाल रहे हैं रुपी पर डॉलर ही है ना और रुपया बोला बड़ा छह परसेंट से तो रुपी पर डॉलर तो एट्टी बाई वन है ही और रुपया बढ़ा है नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ाए सिक्स परसेंट से और या फिर एट्टी डिवाइडेड बाई वन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स लिख देते हैं तो ये आएगा एट्टी डिवाइडेड वन पॉइंट जीरो सिक्स या आ गया सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर सेवन सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर सेवन आ गया आपके यहाँ पर अब आगे एक और, और दो करवाता हूँ मान लो रुपया गिरा इस बार रुपया गिरा इलेवन परसेंट से

एटी डिवाइडेड पॉइंट एट नाइन एटी नाइन पॉइंट एट एट एटी नाइन पॉइंट एट एट आ गया हमारा फिर आगे पॉइंट नंबर एट करते हैं रुपया मान लो गिरा है थ्री परसेंट से तो रिवाइज्ड रुपया पर डॉलर क्या होगा एट्टी डिवाइड बाई वन लिखता हूँ वन माइनस थ्री परसेंट और या फिर 80 डिवाइड बाई वन इंट पॉइंट नाइन सेवन है ना एटी डिवाइडेड पॉइंट नाइन सेवन या आगे एटी टू पॉइंट फोर सेवन चलो जी तो मतलब बस मुझे इतना ही आपको समझाना था यहां पर कि रुपी पर डॉलर अगर 80 बाई वन है तो यहां पर आप रिवाइज अगर फ्यूचर में ये क्या हो गया ये? ये देखा जाए तो फॉरवर्ड रेट्स हो गए देखा जाए तो अभी जो हम ये निकाल रहे हैं ये फॉरवर्ड रेट्स हो गए अगर फॉरवर्ड में अगर फ्यूचर में डॉलर प्रीमियम में रहा या डिस्काउंट में रहा तो क्या रिवाइज रुपये पर डॉलर होगा अगर फ्यूचर में रुपया प्रीमियम में रहा या रुपया डिस्काउंट है रिव... प्रीमियम और डिस्काउंट ही बढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा अभी आपको, ये, ये दिखा तो की तरह भी जो आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप इसी से क्लियर कर लो यहाँ पर कि आपको आप समझ में डॉलर में जो भी अप एंड डाउन होगा इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे रुपया में जो भी अप एंड डाउन होगा इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे अब एक और एग्जांपल मैं करवाता हूं जिसमें आप पूरा पार्टिसिपेट करोगे मैं लेता हूं डॉलर पर पाउंड डॉलर पर पाउंड लेता हूं मैं वन पॉइंट टू जीरो डॉलर पर पाउंड लिया मैंने वन पॉइंट टू जीरो क्या होगा वन पॉइंट टू जीरो मुझे बता सकते हो डॉलर पर पाउंड टू कहता है ये कहना चाहता है कि वन इक्वल डॉलर वन पॉइंट टू जीरो एक पाउंड का भाव है डॉलर ये तो कहना चाहता है तो यानी आप मुझे बताओ ये जो वन पॉइंट टू जीरो किसका भाव है पाउंड का भाव है वन पाउंड का भाव है डॉलर पर पाउंड पर पाउंड वन पॉइंट टू जीरो डॉलर एक पाउंड का भाव है वन टू तो आप मुझे बताओ ये किसका भाव है ये पाउंड का भाव है तो पाउंड में अप एंड डाउन जो भी होगा वो किस में करोगे न्यूमेरेटर में छेड़छाड़ करोगे और अब मुझे बताओ अगर वन पाउंड इक्वल वन पॉइंट टू जीरो डॉलर है तो वन डॉलर इक्वल कितना होगा वन बाई वन पॉइंट टू जीरो पाउंड वन डॉलर कितना होगा वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट टू जीरो उल्टा कर देंगे अगर इसी को उल्टा कर देंगे one by one तो डॉलर का भाव है? तो है, है तो में जो भी अप एंड डाउन होगा डॉलर में जो भी अप एंड डाउन होगा वो हम कहा डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट करेंगे तो अब हम इसका भी एग्जाम्पल हमने समझ लिया अब मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अगर मान लो डॉलर इंक्रीज होता है टेन परसेंट से तो आप मुझे सीधा हम इसको उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे सीधा हम बता देंगे रिवाइज डॉलर पर पाउंड क्या होगा फॉरवर्ड यानी फ्यूचर में टेन परसेंट से डॉलर बढ़ेगा तो फ्यूचर में डॉलर पर पाउंड का क्या रेट होगा हम लिखेंगे वन पॉइंट टू जीरो बाई वन है ना अब मुझे बताओ डॉलर बढ़ रहा है डॉलर तो डिनोमिनेटर है डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर तो डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे कितना से 10% से बढ़ रहा है या फिर हम लिखेंगे 1.20 डिवाइडेड 1 1.10 यानी ये आएगा 1.20 डिवाइडेड 1.10 देख लो कितना आंसर आ रहा है 1.0909 ये आ गया हमारा ये पहला चलो अब इसके बाद आगे मैं लेता हूं इस बार पाउंड लेता हूं पाउंड मान लो गिर परसेंट से गिर रहे है. क्या होगा? 1 by 1, तो मैं लिख देता हूं पहले। पर तो है, numerator गिर है तो 5 और या फिर 1 by 1 तो है ही न्यूमिरेटर गिर, रहे, गिर रहे है गिर रहा मतलब वन में फाइव परसेंट गिराओगे तो क्या आएगा पॉइंट नाइन फाइव आएगा यानी कितना आ जाएगा आंसर देख लो वन पॉइंट टू जीरो का पॉइंट नाइन फाइव वन पॉइंट वन फोर होगा क्या वन पॉइंट वन आ जाएगा डन एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे फिर नेक्स्ट थ्री वाले में इस बार लेता हूँ चलो पाउंड चलो डॉलर ले लेता हूँ डॉलर मान लो बढ़ गया सिक्स परसेंट से, तो से डॉलर पर पाउंड जो है वो कितना आएगा एकदम अच्छे से ध्यान दे दो अभी फिर फटाफट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हमारे 1.20 डिवाइडेड बाय वन हो गया हमारा अब यहाँ पर देखो डॉलर कौन सा नीचे वाला है ये देखो ऊपर वाला तो पाउंड है नीचे वाला डॉलर है डॉलर बढ़ रहा है सिक्स परसेंट से तो वन प्लस सिक्स परसेंट कर दो या फिर वन पॉइंट टू जीरो वन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स आ जाएगा आंसर चौथे तो वाला डॉलर इस बार पाउंड लेता हूँ पाउंड बढ़ रहा है 13% से रिवाइज्ड डॉलर पर पाउंड कितना रिवाइज्ड डॉलर पर पाउंड कितना आएगा आपका ये देख लेते हैं 1.20 डिवाइड बाय 1 पाउंड का भाव बता रहा है पाउंड तो ऊपर वाला है ऊपर वाला 13% से बढ़ रहा है 1.20 बाय 1 देख लो आप एक बार कितना आ रहा है 1.20 प्लस 13% 1.13. तो इस तरीके से आप आराम से प्रैक्टिस करोगे मैं आपको एक क्वेश्चन सेल्फ करने के लिए दे के छोड़ देता हूँ ये मैं नहीं करूँगा ये आप घर में खुद करोगे जो अभी कर सकता है फटा फटाफट अभी कर लेगा एसडीडी बाई एन पॉइंट थ्री जीरो बात है अब बताओ ये वाला रेट किसका होगा एक एन पे इतना SGD है, तो ये का रेट है पर बोल रहा है ना एसडीडी पर यानी एक एन का रेट ये है, और एक SGD का रेट क्या होगा वन डिवाइडेड बाई पॉइंट का रेट हो गया परसडीडी हो रहा है, येन एक येन का भाव बता रहा है। और ये बता रहे है कि एस जी डी तो आप आराम से कर लोगे अब अगर मैं आपको बोलूं कि एस जी डी बढ़ रहा है थर्टीन परसेंट से एस जी डी गिर रहा है ट्वेल्व परसेंट से यन बढ़ रहा है टेन परसेंट से यन गिर है नाइन परसेंट से आप मुझे रिवाइज्ड बता दोगे एस जी डी बाई एन क्या होगा आप इतने अब बन गए क्या बता दोगे आप है ना इतने अब बन गए क्या मुझे आप बता दोगे या या तो अभी बता दो या बाद में बता देना आपके ऊपर है ठीक है बस मैं यहाँ पर एक बार लिख के छोड़ देता हूँ आप लोग के लिए कि आप देखो ये वाला जो एक येन का भाव बता रहा है तो ये येन का रेट है का अप एंड डाउन ऊपर छेड़छाड़ करना है ये एक एस जी का रेट है एस जी डी का भाव छेड़छाड़ नीचे में करना है अप होगा तो प्लस माइनस होगा तो यानी ये अप मतलब प्लस ये मतलब माइनस और एस डी डी अगर कुछ होना है तो नीचे प्लस माइनस होगा ऊपर प्लस माइनस होगा इस तरीके सब से आप आराम से फॉरवर्ड रेट्स निकाल सकते हो कोई परेशानी नहीं आएगी आप आराम से फॉरवर्ड रेट्स निकाल सकते हो अब मुझे आपको एक और कंसेप्ट सिखाना है जो कि इसी से रिलेटेड ही है एक और तरीका होता है निकालने का मैं यहां पर ही लेके करवाता हूँ इसी क्वेश्चन से चलो रुपये लिया था ना मैंने क्योंकि मैं अभी फॉरिक्स में आपका थोड़ा सा एक बार है ना स्ट्रोंग कर देता हूँ फास्टर बैठिए मैं स्ट्रोंग कर देता हूं एक बार कंसेप्ट फिर एकदम मतलब आप उड़ोगे एकदम पंछी बन के उड़ोगे आराम से देखो रुपी पर डॉलर एट्टी यानी एट्टी बाई वन जो भी बोल दो अभी एट्टी बाई वन है अब मेरी बात सुनो अब मुझे कंसेप्ट समझाना है मान लो एक सौ रुपया, रुपया नहीं लेता हूँ बीस लेता हूँ मान लो हंड्रेड है हंड्रेड में अगर आप टेन परसेंट बढ़ाओगे तो ये क्या बनेगा हंड्रेड टेन बनेगा हंड्रेड में एक बात सुनो मेरी बात अगर हंड्रेड में मैं टेन परसेंट बढ़ाऊंगा तो कितना बनेगा हंड्रेड टेन बनेगा कि नहीं बनेगा इतना मुझे पता है अगर हंड्रेड को टेन परसेंट से बढ़ाओगे तो हंड्रेड टेन बनेगा एग्री करते हैं अब मेरी बात सुनो अगर मैं फिर से हंड्रेड टेन जो है इसको टेन परसेंट घटाऊंगा तो क्या हंड्रेड नहीं बनेगा मैंने कहा कि एक हंड्रेड था हंड्रेड को टेन परसेंट से बढ़ा दिया तो वो हंड्रेड टेन बन गया अब मुझे लगा अच्छा टेन परसेंट बढ़ा दिया है हंड्रेड टेन हो गया अब एक काम करो टेन परसेंट गिरा दो हंड्रेड हो जाएगा आप ऐसे ही बोलोगे हंड्रेड का बेस था टेन परसेंट बढ़ा दिया है हंड्रेड टेन हो गया अब एक काम करो हंड्रेड टेन में टेन परसेंट घटा तो हंड्रेड हो जाएगा क्या ये होगा बोलो या ना क्या ये होगा अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा भी अच्छा है मुझे बताओ क्या ये होगा क्या ये होगा हाँ ये नहीं होगा आप चेक कर लो हंड्रेड टेन में टेन परसेंट घटाओगे तो आपका नहीं, नहीं होने वाला ये इसके पीछे का कारण भी 100. तो ये 110 हो गया। और फिर बाद में हंड्रेड टेन जो था उसमें मैंने माइनस किया जरूर टेन परसेंट पर टेन परसेंट वो हंड्रेड टेन में माइनस हो रहा और इसी वजह से ये हंड्रेड नहीं आ रहा है यानी कहने का मतलब यह समझ जाओ कि अगर आपने पहले इंक्रीज किया टेन परसेंट से तो बाद में आप टेन परसेंट से डिक्रीज नहीं कर सकते नहीं कर सकते आप समझ में आया अगर कोई बेस है उसको टेन परसेंट से बढ़ाया जाएगा तो बाद में उसको टेन परसेंट से गिराया नहीं जा सकता सिंपल मैथ्स है और वही चीज में अब यहां पर लगाना चाहता हूं अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं सुनो मेरी बात रुपी पर डॉलर अगर इटी है अगर मैं आपसे कि डॉलर एप्रिशिएट किया टेन परसेंट से डॉलर एप्रिशिएट किया टेन परसेंट से तो देखो डॉलर एप्रिशिएट करेगा टेन परसेंट से किसके अगेंस्ट रुपी के अगेंस्ट ही तो करेगा डॉलर अप्रिशिएट करेगा टेन परसेंट किसके अगेंस्ट रुपी के अगेंस्ट इसका मतलब कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और रुपया वीक होगा तो आप सिंपल सी बात समझो अगर रुपी पर डॉलर एट्टी रुपी से और डॉलर टेन परसेंट से बढ़ जाएगा तो अमेरिका में खुश होंगे अमेरिका वाले और इधर इंडिया वाले दुखी होंगे क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और रुपया वीक होगा तो ये तो समझो दोनों में अपोजिट रिलेशन है अगर डॉलर अप्रीशिएट होगा रुपया के अगेंस्ट टेन परसेंट तो देर फोर क्या आप ऐसे कह सकते हो कि रुपया जो है वो डप्रीशियट होगा टेन परसेंट अगेंस्ट रुपी अगेंस्ट डॉलर मतलब अगर डॉलर अप्रीशिएट करेगा टेन परसेंट से रुपया के अगेंस्ट तो आप बोलोगे कि रुपया डेप्रीशिएट करेगा टेन परसेंट अगेंस्ट डॉलर क्या ये लाइन मैंने सही लिखा है बोलो या ना क्या ये लाइन मैंने सही लिखा है बोलो या ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉलर अगर टेन परसेंट से बढ़ेगा रुपया के अगेंस्ट में तो रुपया जाहिर सी बात है गिरेगा डॉलर के अगेंस्ट में लेकिन क्या वो टेन परसेंट से गिरेगा क्या वो टेन परसेंट से ड्रिशिएट होगा मैंने ये तो समझा अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है वो टेन परसेंट से नहीं गिर सकता बट आपको पता है आईसीए बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी गड़बड़ी कर रखा हुआ है आई पहले नहीं गड़बड़ था पहले आईसीए का मेटेरियल बहुत अच्छा था फिर बाद में पता नहीं कौन बच्चा आया है ना जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में आया उसने मेटेरियल में छेड़छाड़ कर दिया और उसने ऐसा मटेरियल में छेड़छाड़ किया और उसने ये बोल दिया कि अच्छा डॉलर अगर टेन परसेंट से बढ़ रहा है रुपया के अगेंस्ट तो रुपया टेन परसेंट से घिरेगा डॉलर के अगेंस्ट मैं तो कहता हूं उस बंदे को आई हटा के नर्सरी के में एडमिशन दिलाओ या क्लास फाइव सिक्स में एडमिशन दिलाओ ये वाली हालत है उसकी तो ये पूरा का पूरा गलत कंसेप्ट है जिसको मैं वेरीफाई भी करवा दूंगा Tencent की कोई बात नहीं है इसको मैं एक बार पांच मिनट लगेगा मैं वेरीफाई भी करवा देता हूं देखो रुपी पर डॉलर एट्टी है ठीक है तो आपका अगर डॉलर टेन परसेंट से बढ़ेगा तो रुपी पर डॉलर क्या होगा एट्टी तो? तो प्लस टेन परसेंट इक्वल एटी एट होगा ये मैंने देखा, ये हमने देखा, अब यहां पर सुनो, अगर रुपी पर डॉलर 80 है, तो मतलब डॉलर पर रुपी क्या होगा? One by 80, रुपी पर डॉलर अगर 80 है, तो डॉलर पर रुपी होगा one by 80, और one by 80 का मतलब क्या है? Point zero one two five, ये मैंने देखा। अब वापस से रिवाइज रुपी पर डॉलर अगर 88 एट है तो रिवाइज डॉलर पर रुपी क्या होगा 1 by 88. 1 divided 88 कितना होता है पॉइंट जीरो डबल वन थ्री सिक्स थ्री सिक्स ये मैंने निकाला तो मतलब आप देखो रुपया ये रुपया का भाव है दोनों रुपया तो गिर रहे तो रुपया क्या डेप्रीशियट हुआ यस रुपया डेप्रीशियट हुआ बता सकते हो कितना है देखो डॉलर से रुपया तो देखो यहां पर गिर रहा है तो यहां पर गिर रहा है ना रुपया यहां पर गिर है तो रुपया कितना गिर है पहले पॉइंट जीरो था अब ये गिर के कितना हो गया पॉइंट जीरो डबल वन थ्री सिक्स थ्री सिक्स ये गिरा कितना पॉइंट डबल जीरो डबल वन थ्री सिक्स फोर पॉइंट जीरो डबल वन इतना गिरा ये पॉइंट डबल जीरो डबल वन पॉइंट डबल जीरो डबल वन थ्री सिक्स फोर ये इतना गिरा कहां से गिरा ये पॉइंट जीरो वन टू फाइव से तो गिरा पहले तो पॉइंट जीरो वन टू फाइव भी था यहां से गिर के इतना हो गया इतना यहां से गिरा इन हंड्रेड कर दूं। हंड्रेड जीरो ये दो इन टू मैथ दिख रहा है तो यहां पर मैँच, सिंपल मैथ्स आपको यहां पर दिख रहा है कि जब डॉलर टेन परसेंट से बढ़ा तो उसी का मैंने कंसिक्वेंस निकाला कि रुपया जो है वो नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट से गिरा है तो आप ये तो समझ लो अभी यहां पर आप अभी यहां पर क्या समझोगे यहां पर कि अगर आपका डॉलर टेन परसेंट से बढ़ रहा है तो रुपया आपका एक से आ है। एक रुक रुक जाओ जाओ कॉल आ क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है 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 बार बहुत ठीक तो डॉलर मैंने कहा कि अगर टेन परसेंट से बढ़ रहा है तो आपका रुपया गिर रहा है पर टेन परसेंट से नहीं गिर रहा है टेन परसेंट से थोड़ा कम नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट से गिर है। उसके पीछे का कारण भी यही कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट में यहां पर आपको प्रूफ भी करा दे रहा हूं देखो पहले हंड्रेड था टेन परसेंट बढ़ने पर ये हंड्रेड टेन हुआ अब मुझे वापस 110 से हंड्रेड टेन से हंड्रेड पे आना है ना अगर तो मुझे टेन परसेंट नहीं गिराना है मुझे कुछ और गिराना है देखो कितना गिराना है कितना गिराना है टेन गिराना है एक सेकेंड ना हेलो हाँ कित मिल गया ना अच्छा ठीक 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 मतलब मिल गया ना तना अच्छा अच्छा ठीक है जना ठीक हम फोन कर एक्सट्रीमली सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था चलो टेन कहां से आपका जो हंड्रेड टेन से मुझे हंड्रेड पे पहुंचाना है मतलब मैंने ये समझाया पहले हंड्रेड को बढ़ा के हंड्रेड टेन बनाया अब हंड्रेड टेन से वापस हंड्रेड में आना चाहता हूं तो जब मैंने हंड्रेड को बढ़ा के हंड्रेड टेन बनाया तो मैंने टेन परसेंट अप्रिशिएट किया अब हंड्रेड टेन को घटा के मैं हंड्रेड में पहुंचना चाहता हूं तो मैं टेन गिराऊंगा पर टेन कहां गिरा 110 से गिराऊंगा हंड्रेड टेन से तो गिराऊंगा इंटू हंड्रेड आप देख लो ये नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट होगा आपका ही तो वही मैं कहना चाहता हूं अगर आप पहले टेन परसेंट से बढ़ाओगे तो बाद में नाइन पॉइंट जीरो नाइन परसेंट से गिरेगा आपका तो वही लॉजिक अब यहां पर आपका अप्लाई होता है मतलब अगर एक करेंसी का एप्रिसिएशन आपको पता है तो दूसरी करेंसी का डेप्रीशियशन आप निकालोगे मैं बस यही समझाना चाहता हूं आपको यहां पर एक करेंसी का एप्रिशिएशन आपको पता है तो दूसरी करेंसी का ठीक है शिवानी जी कहती है अंकित इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हाँ इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सुनो मेरी बात मैं अब बस आपको ये समझाना चाहता था आपको ये क्लियर हो गया अब मेरी बात ध्यान से सुनो अब एकदम ध्यान से सुनो एकदम अच्छे से मैं कुछ एग्जाम्पल आपको करवाने वाला मैं लेता हूँ रुपये पर डॉलर इक्वल एटी ये मैंने लिया रुपयी पर डॉलर इक्वल एटी अब मैं वही लूंगा एग्जाम्पल जो मैंने पहले यूज़ किया था चलो डॉलर मैंने नाइनटीन परसेंट से बढ़ाया था ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो अगर डॉलर 19 परसेंट से बढ़ेगा तो मुझे आपको यह कहना है कि ऐसे सिचुएशन में क्या रुपया जो है वो 19 परसेंट से गिरेगा कि नहीं नहीं हो सकता ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ये इम्पॉसिबल है ये इम्पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता अगर डॉलर नाइनटीन परसेंट से बढ़ेगा तो रुपया 19 परसेंट से नहीं गिरेगा तो कैसे गिरेगा इसके बहुत सारे उपाय है एक तो मैं आपको सिंपल मैथ एक लाइन ड्रॉ करके मैं आपको समझा सकता हूं। इसके एकदम सिंपल सा इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करो आप किसी को भी बेस ले लो मैंने 100 एक बेस पकड़ा अब वन को भी बेस ले सकते हो चाहो तो मैंने 100 को बेस लिया तो बताओ अगर डॉलर नाइनटीन से बढ़ेगा तो हंड्रेड कितना होगा हंड्रेड कितना होगा हंड्रेड हो जाएगा

तो मेरा आएगा परसेंटेज, ये मेरा आएगा, परसेंट। तो अब मैं ये कह सकता हूं अब मेरी बात अब मजा आएगा, अब मजा आएगा देखो ट्विस्ट आएगा अभी मैंने ये कहा कि अगर डॉलर 19 परसेंट से बढ़ेगा तो रुपया जो है वो 19 परसेंट से नहीं गिरेगा वो गिरेगा 15.966 परसेंटेज ये दोनों बराबर है

और या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं मैं लिखूंगा एट्टी बाई वन देखो मजेदार चीज आपको सिखा रहा हूं मैं आपको अब मेरी बात सुनो। ये तो रुपया का भाव देखो रुपया गिर रहा है रुपया का भाव एटी बाई वन है और ये गिर रहा है इसका आंसर एट्टी प्लस कितना आता है एट्टी प्लस परसेंट कितना आता है? आता है। और इधर भी देख लो नाइनटी फाइव पॉइंट नाइन नाइनटी फाइव पॉइंट टू ही आएगा ये वाला देख लो दोनों मामले में वो आंसर आ रहा है यानी आप ये वाला भी लगा के आंसर निकाल सकते हो ये वाला भी लगा के आंसर निकाल सकते हो मतलब मैंने आपको अब ये चीज सिखा दिया कि अगर एक करेंसी का एप्रिसिएशन या डप्रिशिएशन दिया हुआ है तो दूसरी करेंसी का आप एप्रिसिएशन या डेप्रीशिएशन निकाल सकते हो बताओ मजा आया कि नहीं आया ये बहुत ही सिंपल चीज मैंने आपको सिखाया बताओ मजा आया कि नहीं आया ये तो मैंने पहले सिखा दिया डॉलर का भाव ये ऊपर वाला है ना चलो यहां पर लिख देता हूं ये डॉलर का भाव है और ये रुपया का भाव है तो देखो डॉलर का भाव मैंने ऊपर लगा दिया और रुपया का मैंने नीचे लगा दिया दोनों का आंसर अपने आप परफेक्टली आ गया एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तभी तो क्लियर होगा तब एप्रीशिएशन डॉप्रिशिएशन पूरा मेरे एंड से मैं क्लियर करवा दूंगा बस एक बार मुझे बता दो कि जो मैं सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना मजा आ जाएगा सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा आपको एकदम अभी थोड़ा सा स्ट्रेस दे दो कंसेप्ट एक बार बिल्डअप कर देता हूं इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा बताया बिडासक अच्छे से समझा दूंगा फिर फॉरिक्स में मैं एकदम आराम से दौड़ेंगे हम एकदम दौड़ेंगे इसलिए आप ये टॉपिक में और क्या करोगे बिडास में, में मेरा साथ दोगे इन दोनों जगह में हम टाइम दे, दे देंगे फिर तो फास्टर शुरू हो जाएगा हमारा है ना हितेश जी बोले सर डेरिवेटिव से डर लगता है काफी संभाल लेना अरे मैं हूं ना डेरी को पानी बना के दूंगा आपके लिए पानी एकदम मतलब ना कोकोनट वाटर बना दूंगा टेस्टी टेस्टी टेंशन ही ना लो आप एकदम कोकोनट वाटर बना के पी जाएंगे अब इक्वल लेता हूँ येन पर सिंगापुर डॉलर 0.6057 एकदम घटिया सा लिया मैंने येन पर सिंगापुर डॉलर 0.6057 मान लो सिंगापुर डॉलर जो है ये आपका गिर रहा है 8% से तो ये तो श्योर है कि येन बढ़ेगा अगर एक करेंसी गिर रहा है तो दूसरा करेंसी बढ़ेगा ये येन 8 से बढ़ेगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्योंकि हो ही नहीं सकता ये चीज तो और इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? हम हंड्रेड का बेस लेते हैं हम हंड्रेड का बेस लेते हैं 8 अगर गिरेगा हंड्रेड तो एट मत लिख देना पिछली बारी तो मैंने आपको क्या लिखा था हंड्रेड था नाइनटीन परसेंट बढ़ रहा था तो मैंने हंड्रेड नाइनटीन लिखा था इस बारी क्या हो रहा पता है पता एट परसेंट गिर रहा है तो एट परसेंट गिरेगा तो ये बनेगा क्या नाइनटी टू बनेगा हंड्रेड एट परसेंट गिरा तो नाइन्टी टू बनेगा अब मैं इसे वापस से कहाँ लेके जाऊंगा हंड्रेड पे मुझे लेके जाना पहले अपनी जगह पे लेके जाना देखो यहां पर भी हंड्रेड था हंड्रेड नाइनटीन बना मैं हंड्रेड में लेके गया यहां पर भी हंड्रेड नाइन्टी टू बना मैं फिर से हंड्रेड पे लेके जाऊंगा तो मुझे इस बार बढ़ाना की घटाना है मुझे नाइन्टी टू से बढ़ाने की घटाना है मुझे घटाना है यहाँ पर ये तो ऐसे ही पता है सॉरी बढ़ाना है यहाँ पर नाइनटी टू से हंड्रेड में ले जाना बढ़ाना और ये तो हमें पता है ये बढ़ेगा तो येन आपको बढ़ाना है कितना बढ़ाना है एट का वैल्यू बढ़ाना है कहां से बढ़ाना है 92 टू से बढ़ाना है इंटू हंड्रेड एट बढ़ाना है नाइनटी टू से एट बाय नाइनटी टू इंटू हंड्रेड कितना एट पॉइंट सिक्स नाइन फाइव एट पॉइंट सिक्स नाइन फाइव सिक्स परसेंटेज तो अब यहां पर आएगा ना मजा अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं मैंने ये कहा कि एसजीडी जो है वो आपका एट परसेंट से गिरेगा तो आपका येन जो है ना ये आपका बढ़ेगा एट पॉइंट सिक्स नाइन फाइव सिक्स परसेंट अब हम लगा देते हैं देखो येन बाय क्या पॉइंट सिक्स जीरो फाइव सेवन बाई वन है अब एसडीडी अगर गिरेगा एसडीडी का भाव कौन सा है मुझे पहले बता दो यहां पर आप एसडीडी का भाव ये वाला है क्योंकि एक एसजीटी इक्वल पॉइंट सिक्स जीरो फाइव सेवन येन और ये भाव किसका ये येन का भाव है इक्वल हम लिखेंगे पॉइंट सिक्स जीरो फाइव सेवन बाई वन अगर एस जी टी एट परसेंट से गिरेगा तो माइनस एट परसेंट यहां पर करना क्योंकि ऊपर वाला है और अगर येन बढ़ेगा पॉइंट सिक्स जीरो फाइव सेवन बाई वन लिख देता हूँ हमें एक बार बस प्रैक्टिस करना फिर घर में जाके रिव्यू करना सब क्लियर हो जाएगा पॉइंट सिक्स जीरो डिवाइड बाई वन है आपका अब यहाँ पर आप देखो येन जो है बढ़ रहा है एट परसेंट और येन कहा है नीचे वाला नीचे वाला प्लस होगा प्लस 8.6956 पॉइंट दे। आप देख लेना दोनों का आंसर वही आने वाला है देख लो आप। रोस नाइन फाइव सिक्स अब आपको ये तो मैंने सिखा दिया अभी वेरीफाई करके प्रूफ करा के भी मैंने सिखा दिया आपको कि आपका दोनों जगह में मामला सही है मतलब आपको ये मैंने वेरीफाई करा दिया कि एक करेंसी अगर जितना परसेंट से बढ़ेगा जरूरी नहीं दूसरा करेंसी उतना परसेंट से जरूरी मतलब कभी नहीं होगा दूसरा करेंसी उतना परसेंट से गिर ही नहीं सकता कुछ अलग होगा आपका तो अभी मैं और बस दो एग्जाम्पल करूंगा फिर मैं बिडास में आ सकता हूं मैं। अब मैं वेरीफाई नहीं करूंगा मैं बस सीधा निकाल के दिखाऊंगा आपको मैं मैं लेता हूं चलो डॉलर यूरो। डॉलर बायो वन पॉइंट वन फाइव सिक्स है मान लो आपका डॉलर गिर रहा है फाइव परसेंट से तुम्हें तो पता है यूरो जो है वो फाइव परसेंट से नहीं बढ़ेगा ये हमें पता है ऐसा नहीं हो सकता हम अब क्या करेंगे हम हम इसके थ्रू निकालना चाहते हैं यूरो कितना से बढ़ेगा तो हम वापस से वही लेंगे अपना हम बोलेंगे हंड्रेड का बेस पकड़ते हैं अगर फाइव परसेंट से गिर रहे हैं तो ये नाइन्टी फाइव होगा फिर से आपको हंड्रेड में लेके जाना है तो हम बोलेंगे फाइव आपका बढ़ाना है कहाँ से नाइन्टी फाइव से इंटू हंड्रेड फाइव पॉइंट टू सिक्स थ्री परसेंटेज तो हम सीधा निकाल लिख सकते अभी डॉलर अगर फाइव परसेंट से गिरेगा तो यूरो आपका बढ़ेगा फाइव पॉइंट टू सिक्स थ्री परसेंटेज बस बात खत्म है अनादर एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं रुपये पर पाउंड फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो मैंने लिया रुपया अगर मान लो टेन परसेंट नहीं तो कुछ फिफ्टीन परसेंट लेता रुपया अगर फिफ्टीन परसेंट से बढ़ेगा तो पाउंड आपका कितना से बढ़ेगा क्वेश्चन मार्क और इसके लिए मैं क्या करूँगा मैं ले लू हंड्रेड का बेस अगर फिफ्टीन परसेंट से बढ़ेगा तो बनेगा हंड्रेड फिफ्टीन ठीक है और इसको वापस से मुझे हंड्रेड पे लेके जाना है तो मैं बोलूंगा फिफ्टीन गिराना है मुझे कहाँ से गिराना है हंड्रेड फिफ्टीन से गिराना है इन टू हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टीन को वापस से हंड्रेड में पहुंचाना है तो फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड फिफ्टीन थर्टीन पॉइंट जीरो थ्री थर्टीन पॉइंट जीरो फोर थ्री फोर तो मेरा आंसर आ गया देर फोर पाउंड कितना होगा थर्टीन पॉइंट पाउंड आपका गिरेगा थर्टीन पॉइंट जीरो फोर थ्री फोर सेवन परसेंट ये मैंने निकाल दिया आप तो देखो हमने ये यहाँ पर साबित कर दिया पर आईसीए मैं आपको बता रहा हूं आईसीए गड़बड़ी करते आ रहा है वो ये मानता है बहुत सारे क्वेश्चन में कि अगर आपका डॉलर टेन परसेंट से बढ़ेगा तो रुपया टेन परसेंट से गिरेगा और मैंने पहले पढ़ाया भी है कुछ कुछ गधे बच्चे भी है वो बोलते नहीं सर आप ही गलो तो आईसीए तो सही बोल रहे हैं और सिंपल सी तो बात बोल रहे ऐसे आप भाई मतलब कॉम्प्लिकेटेड करो आप बोलते हैं मुझे कुछ कुछ बच्चे कमेंट करके मुझे व्हाट्सअप में भी बोलते हैं मेरे कुछ क्लास के स्टूडेंट है वो भी मुझे बोलते हैं सर आप अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करो जब आईसीए बोल रहा है डॉलर टेन परसेंट से बढ़ेगा तो रुपया टेन परसेंट से गिरेगा आप सीधा हमें बता सकते थे आपने तो उनको उसकी पूरी एकदम हिस्ट्री खोल दी आपने तो आधा ही घंटा में पढ़ा दिया बे मतलब का आप हमारा समय नष्ट कर रहे हो आपको तो अपनी क्लास लंबी खींचनी है मतलब जो वे ऑफ टॉक था एक दो जन का ज्यादा जन का नहीं था तो मतलब इस तरीके की बात बोलते पता नहीं वो आईसीए को डीप मान लेते कि आईसीए तो सही होगा और इजी होने का मतलब ये नहीं कि वो सही है हाँ ठीक है आईसी का भी एकदम इजी है डॉलर टेन परसेंट बढ़ा रुपया टेन परसेंट गिरा दो। एकदम सिंपल एकदम सिंपल लगेगा आपको पर बताओ गलत तो है ना प्रैक्टिकली जब तक आपको तो देखोगे नहीं गलत आपको मतलब फिर तो गलत पढ़ाना हुआ मैं आपको और मैं गलत पढ़ा के कैसे आपके साथ गलत कर सकता हूँ मैं विसर जी करके क्या आएंगे बहुत सारे मामले में ये सही करने पर ही आपका आंसर सही आएगा क्योंकि आई आए से कहीं कहीं पे ये चीज यूज़ करते हैं जहां पर वो डायरेक्टली आंसर निकालेगा वहां पर आई से का भी आंसर वैसे ही आएगा जो यहां पर हमारा आने वाला तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा आप यही करके ये मैक्सिमम जगह पे आपका आंसर सही होगा ठीक है तो यहां पर मैक्सिमम जगह पे आपका आंसर सही होगा तो ये मैंने करेंसी अप्रिसिएशन अप्रीशिएशन मैंने सिखा दिया अब आप मुझे बताओ मैं आपको होमवर्क देता हूँ यहाँ पर भी होमवर्क हर चीज का मैं दूंगा आपको डॉलर पर पाउंड वन पॉइंट नाइन फाइव अगर पाउंड एप्रीशिएट होता है टेन परसेंट से तो डॉलर कितना से होगा क्वेश्चन मार्क अगर डॉलर डप्रिशिएशन होता है टू परसेंट से तो पाउंड कितना से एप्रिशिएट होगा क्वेश्चन मार्क एक और होमवर्क ले लो पाउंड बाय एन जीरो वन ठीक है अगर येन डप्रीशिएट होता है ट्वेल्व परसेंट से तो पाउंड कितना से एप्रिशिएट होगा क्वेश्चन मार्क अगर पाउंड पाउंड्रिशिएट होता है टेन परसेंट से तो येन कितना से डप्रिशिएट होगा क्वेश्चन मार्क अगर पाउंड डेप्रिशिएट होता है थ्री परसेंट से येन कितना से अप्रिशिएट होगा क्वेश्चन मार्क ये आप करके आओगे ये आपको मैंने होमवर्क दिया और होमवर्क दिया मतलब करके आना ही करने का मतलब कि खुद करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको परेशानी नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर तो अब मैं आपको सेकंड टॉपिक समझाने वाला हूँ डेट इज बेडर नास्क एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिडन आस कंसेप्ट में आपको समझाने वाला हूँ और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तैयार तो हो एकदम अच्छे से वेबब जी अब से उठाएंगे एक्चुअली दो तीन दिन बहुत ज्यादा से चल रहा था टीम का इसलिए वो उठा नहीं पा रहे थे अब उठाएंगे बोलो एक बार बोलो अभी तक समझ में आया क्या बस अभी कुछ नहीं करना आपको अभी कुछ एकदम दिमाग को हल्का रखो भी बस वो मैंने समझाने की कोशिश की है अभी बस दो ही बातें दिमाग में रखनी है रुपी पर डॉलर अगर फिफ्टी है यानी फिफ्टी बाई वन तो फिफ्टी होगा डॉलर का भाव है और वन बाई फिफ्टी जो है वो रुपया का भाव है इतना ध्यान में रखो मतलब अभी अगर मैं क्रक्स आपको बताऊं अभी तक जो मैंने समझाया अब ये समझो अगर मैं आपको बोलता हूँ येन पर सिंगापुर डॉलर येन पर सिंगापुर डॉलर अगर मैं बोलता हूँ टू है तो जो टू है वो तो पर सिंगापुर डॉलर का भाव है 1 पकड़ लो है वो का 1 है, वो येन का तो का भाव भाव है 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 और जो तो ऊपर वाला अप एंड डाउन होगा नीचे वाले के साथ एडजस्ट करोगे डिनोमिनेटर में एसजीडी में अप एंड डाउन होगा ऊपर वाले के साथ एडजस्ट करोगे न्यूमिरेटर में बात खत्म पहला करेंसी अप्रीशियन अप्रीशियशन में और दूसरे वाले में दूसरी वाले में मैंने आपको क्या समझाया दूसरे में कि एक करेंसी अगर बढ़ेगा तो सी बात है दूसरा करेंसी घटेगा पर उतना से नहीं घटेगा जितना से बढ़ा है एक करेंसी घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा पर उतना से नहीं बढ़ेगा जितना घटा है तो यही चीज मैंने बस एक सिंपल लाइन में मैंने आपको करवा दिया एक सिंपल लाइन लिखवा के सिंपल लाइन ये रहा एक सिंपल लाइन से आप आराम से ये कभी भी एग्जाम में भी ऐसे करके आप निकाल सकते हो एक करेंसी अप्रिशिएट हुआ तो दूसरा कितना से डॉप्रिशिएट होगा एक करेंसी डाप्रिशिएट हुआ है यहां पर यहाँ पर भी अप्रिशिएट हुआ यहाँ पर देखो एट परसेंट ड्रीशिएट हुआ तो दूसरा इतना यहां से अप्रिशिएट होगा यहाँ पर ये यह अप्रिशिएट हो रहा है ये यहाँ पर डप्रीशियेट हो रहा है ये अप्रिशिएट है ये डेप्रीशिएट आपका तो ये बस ये दो चीज़ मैंने सिखाया और कुछ भी नहीं सिखाया बस वही इस चीज़ों को सिखाने के थोड़ा थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा सा समय देना पड़ता है थोड़ा एग्जाम्पल फ्रेम करना पड़ता है तब आपको समझ में आता है हालांकि हमारा एक घंटा लगा पर वो बिल्कुल भी वेस्टफुल नहीं है वो वर्थफुल है आगे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हमारे होंगे एक घंटा हमने ज़रूर से लगाया तो अगर समझ में आया तो जरूर से लाइक हो ताकि मुझे पता चल जाए कि रियल में कोकोनट वाटर वाली फीलिंग आई कि नहीं आई है ना तो जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा मैं श्योर हूँ चलो तो आज वो बिडन आस्क वाला कंसेप्ट करते हैं मान लो रुपी पर डॉलर दिया हुआ 50 52। अब हाँ, है फिफ्टी ऑब्लिक फिफ्टी टू आप बोलोग दो दो भाव हां ऐसा होता है क्योंकि बैंक्स जो होते हैं ना वो कोटेशन देते हैं इंटर बैंक अगर हम बात करें इंटर बैंक जो निकालते हैं है ना जैसे आप आरबीआई वगैरह को पकड़ सकते हो वो कोटेशन देते हैं कि आप इस रेट में खरीदना बेचना कर सकते हो अब वो दुकान खोल के बैठे हैं तो थोड़े ना अपना घाटा करेंगे वो दुकान खोल के बैठे तो अपने एक स्प्रेड रखते एक मार्जिन रखते हैं और इन दोनों में जो दो है ना वो स्प्रेड है जो कि उनका फायदा है और ये पता है क्या ये आपका बैंक का बाइंग रेट होता है इसे हम बिड भी बोलते हैं इसे हम क्या कहते हैं पता है इसे हम बिड भी कहते हैं और इसे हम आस्क कहते हैं बिड का मतलब होता है बैंक का बाइंग रेट और आस्क का मतलब होता है बैंक का सेलिंग रेट यानी बैंक बोल रहा है कि बैंक जो है ना वो 50 में खरीदेगा और 52 में बेचेगा यानी एक कस्टमर अगर बेचेगा तो बैंक 50 में ही खरीदेगा और बेचेगा उसको 52 में

आप हमेशा कम रेट में खरीदना चाहोगे और अगर आप बेचना चाहोगे मान लो और मैं जगाती मैं बेचना चाहता हूं तो मैं अगर बेचूंगा तो ज्यादा रेट में बेचना चाहूंगा कि कम रेट में बेचना चाहूंगा यानी आप ये समझ जाओ जब भी हम खरीदना चाहते हैं ना तो हम कम रेट में खरीदना चाहते हैं जब हम सेल करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं सेल करना चाहते हैं तो हम ज्यादा रेट में बेचना चाहते हैं ज्यादा रेट में सेल करना चाहते हैं ये प्रॉब्लम है और लेकिन बिडास्क में हमें हमेशा रोना पड़ता है तो रोना पड़ता है क्योंकि बैंक हमें अपना फायदा कर रहा है बैंक सस्ते में खरीदना चाहता है खरीद रहे है बैंक महंगे में बेचना चाहता है बेच रहे और जिस वजह से हम रोते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको हमेशा और कस्टमर हमेशा रोता है है ना तो कस्टमर हमेशा क्या करेगा पता है महंगा में खरीदेगा कस्टमर का ये वाला जो है ना ये वाला देखो ये जो है ये कस्टमर का बाइंग रेट है बदकिस्मती से कस्टमर का ये बाइंग रेट है और बदकिस्मती से कस्टमर का ये सेलिंग रेट है अब मैं बिडास भी आपको क्लियर करवाना चाहता हूं क्योंकि बिडास को आगे कन्वर्सन सिखाऊंगा मैं ये दोनों चीजें जब मैं आपको क्लियर करवा दूंगा तो फिर बाद नहीं नहीं में टेंशन ही नहीं फॉरेक्स में खरीदूंगा और सस्ता में बेचूंगा अब मुझे बताओ यहाँ पर यहाँ पर जो डील हो रहा है जैसे मार्केट में कोई इंसान बैठा है तो वो कुछ ना कुछ लेके बैठा है जैसे मैं बैठा हूं यहाँ पर अपने कोर्स को लेके मैं कोर्स पे डील कर रहा हूं मैं कोर्स का रेट बता रहा हूँ वैसे यहाँ पर किसका रेट चल रहा है क्या ये रुपये का भाव बता रहे कि डॉलर का भाव बता रहा है? है ये जो फिफ्टी है ये फिफ्टी टू है ये रुपया का भाव है कि डॉलर का भाव है हाँ टमाटर है ना आप मान लो आप अपने घर के बाद टमाटर लेके बैठे हो दो सौ रुपये किलो करके और रील बना रहे हो है ना तो आप टमाटर भी डील कर रहे हो ना तो ऐसे यह यहाँ पर ये डॉलर को समझ में टमाटर है दिख भी रहा है टमाटर जैसा देखो ये डॉलर टमाटर है तो डॉलर भी डीलिंग हो रहा है तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी डॉलर की तो आप बताओ डॉलर का भाव है फिफ्टी और डॉलर का भाव फिफ्टी टू रुपया का भाव नहीं है ये, ये डॉलर का भाव चल रहा है अब मुझे आप बताओ डॉलर आप कितना में खरीद सकते हो कस्टमर और ध्यान रहे ये जो बिडास के पर आप हमेशा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इवन ये आप लोकल बैंक हो तो बैंक भी यहाँ पर कस्टमर बन के खरीदेगा क्योंकि आरबीआई ने एक रेट फिक्स कर दिया अब अगर बैंक को भी अपने लिए किसी के लिए खरीदना है तो बैंक भी कस्टमर बन के खरीदेगा क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा है बैंक है ना तो अगर बैंक भी होगा ना तो बैंक भी कस्टमर ही बन जाएगा यहाँ पर समझ में आ जाएगा इसलिए आपको हमेशा बिडास्त में क्या करना है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और कस्टमर रो रो के जबकि वो कभी नहीं चाहेगा कस्टमर हमेशा महंगा में बाई करता है तो आपको दिमाग में दो बातें डालनी है रो रो के डालेगा दिमाग में आंसू आ जाए तो ले आएगा यहाँ पर जरूरत है ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए आप ये बोलना कस्टमर हमेशा महंगा में खरीदता है क्या चीज जो करेंसी का कोटेशन है वो यहां पर डॉलर है तो डॉलर कस्टमर हमेशा महंगा में खरीदेगा फिफ्टी टू में खरीदेगा खरी और डॉलर हमेशा सस्ता में बेचेगा बिड में बेचेगा फिफ्टी टू में फिफ्टी में बेचेगा तो आप मुझे बताओ यहां पर डॉलर बाइंग रेट क्या होगा फिफ्टी टू कस्टमर बैंक भी कस्टमर बन जाते हैं ठीक है बैंक भी जब खरीदेगा तो कस्टमर बन जाएगा तो कस्टमर के लिए डॉलर बाइंग रेट क्या होगा फिफ्टी टू होगा और डॉलर सेलिंग रेट क्या होगा फिफ्टी होगा डॉलर सेलिंग रेट क्या होगा फिफ्टी होगा अब मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो ठीक है आपको पता है खरीदना और बेचने में क्या फर्क होता है जो मैं दे रहा हूं ना वो मैं बेचता हूं और जो मैं ले रहा हूँ वो मैं खरीदता हूँ देखा जाए तो अगर आप मेरे से कोर्स खरीद रहे हो ना तो आप पता है क्या करो आप कोर्स तो खरीद रहे हो मेरे से मुझे पैसे बेच रहे हो और मैं क्या कर रहा हूं, पता है मैं आपको कोर्स बेच रहा हूँ और पैसे खरीदता हूं अब दुकानदार के पास भी जाओगे ना तो मान लो आपने टमाटर खरीदना चाहो दुकानदार से दुकानदार से आपने सोचा कि आप एक किलो टमाटर खरीदोगे तो मैं दुकानदार हूं आप कस्टमर हूं मैं आपको टमाटर बेच रहा हूँ है ना मैं क्या कर रहा हूँ आपको टमाटर बेच के आपसे रुपया खरीद रहा हूँ और आप क्या करो मेरे से टमाटर खरीद के मुझे रुपया बेच रहे हो तो आज के बाद जब कभी भी बाहर जाओगे ना खर्चा करने तो मम्मी को यह मत बोलना कि मैं आईफोन खरीद रहा हूँ मैं टमाटर खरीद रहा हूँ मैं मोमो खरीद रहा हूँ बोलना मम्मी मैं जा रहा हूँ बेचने जा रहा हूँ मैं मम्मी पूछेगी बेटा क्या बेचने जा रहा है मैं रुपया बेचने जा रहा हूँ है ना तो आप देखा जाए तो, जा तो जो रुपया देते हो ना वो आप बेचते हो देखा जाए तो क्योंकि जो चीज हम देते वो बेचते मान लो मेरे घर में थोड़ी दिन पहले मुझे याद है मेरे घर में एक फोन था

अगर मैं डॉलर बेचूंगा मतलब मैं रुपया खरीदूंगा एक्सचेंज ही तो यहाँ पर अगर मैं आपसे डॉलर लूंगा तो आपको रुपया दूंगा तो डॉलर खरीद रहा हूं मतलब रुपया बेच रहा हूं अगर मैं आपको डॉलर दूंगा मतलब रुपया लूंगा डॉलर दे रहा हूं मतलब डॉलर बेच रहा हूं मतलब रुपया खरीद रहा हूं मैं यहाँ पर तो आप समझो डॉलर बाइंग रेट अगर फिफ्टी टू है मतलब ये डॉलर बाइंग रेट मतलब क्या रुपया सेल कर रहे डॉलर बाई कर रहे मतलब रुपया सेल कर रहे लेकिन आप ये समझना आप यहाँ पर ऐसे मत निकालना अगर आपसे कोई पूछे रुपया का बाइंग रेट बताओ अगर आपसे कोई पूछे रुपया का बाइंग रेट बताओ तो आप डायरेक्ट आंसर मत देना आप बोला रुपया बाई करना मतलब डॉलर सेल करना क्योंकि कोटेशन में पहुंचना आपको रुपया बाई करना मतलब डॉलर सेल करना तो डॉलर सेलिंग रेट रुपया बाई करना मतलब डॉलर सेल करना डॉलर सेलिंग रेट क्या है फिफ्टी है रुपया सेल करना मतलब डॉलर बाई करना है ना रुपया सेल करना मतलब डॉलर बाई करना डॉलर बाई करने का रेट ये है 52 है बस बात खत्म अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको कराने वाला हूं इससे आपका का हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा और जिस एंगल से मैं आपको कराऊंगा जिस तरीके से मैं आपको कराऊंगा एग्जाम में भी उसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा तब मैं गारंटी दे सकता हूं बिटास्क में और कन्वर्सन में आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी आजकल आपके साथ होता होगा आपका दिमाग घूम जाता है अरे लेफ्ट वाला लू कि राइट वाला लू राइट वाला लू कि लेफ्ट वाला लू दिमाग घूम जाता है दिमाग पागल हो जाता है पर जिस तरीके से मैं समझाऊंगा दिमाग कभी भी नहीं घूमेगा कभी भी दिमाग आपका पागल नहीं होगा इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं मैं आपको एस के साथ क्या लिखा है इनकम टैक्स क्लास फ्री हाँ चलो तो आप देखो यहां पर अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूं चलो नहीं लेता हूं। ये नहीं लेता हूं एन पर डॉलर नाइन्टी पॉइंट फाइव जीरो नाइन्टी वन पॉइंट फाइव जीरो अब मुझे आप बताओ अगर मुझे डॉलर बाई करना है तो क्या रेट होगा अगर मुझे डॉलर सेल करना है तो क्या रेट होगा अगर मुझे येन बाई करना है तो क्या रेट होगा अगर मुझे येन सेल करना है तो क्या बताओ तो सबसे पहले तो ये देखो कोटेशन किसका दिया। के से सोचना। तब कभी भी कोई गलती नहीं होगी एक बार सेकंड दे दे में, तो में, में करें बाई करेंगे सस्ता में सेल करेंगे तो डॉलर बाई करना है महंगा में नाइन्टी वन पॉइंट फाइव जीरो होगा डॉलर सेल करना है सस्ता में नाइन्टी पॉइंट फाइव जीरो होगा इसमें तो कोई परेशानी नहीं आएगी परेशानी आएगी आपको यन में तो येन के मामले में सीधा आंसर देना ही मत कभी भी आप येन के मामले में आप ये सोचना करना है मतलब आप, में में मतलब है. है, मतलब है. आप कोटेशन में पहुंचोगे हमेशा करना 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 है 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 मतलब मतलब डॉलर सेल सेल पहुंच जाओ कभी गलती होगी नहीं आपसे क्या अच्छा ये वाला ले लेते हैं ये वाला ले लेते हैं मतलब पगले हो जाते हो आप अब सोचो मत अब ये सोचो कोटेशन किसका है कोटेशन जिसका वो महंगा में बाई होगा सस्ता में सेल होगा डेट से एग्जाम के लिए आप क्या ध्यान में रखोगे कोटेशन जिसका दिया हुआ है वो महंगा में बाई होगा सस्ता में सेल होगा तो आप बोलोगे येन येन का तो कोटेशन दिया हुआ नहीं है तो येन बाई ये मतलब कोटेशन वाला सेल है येन बाई येन का कोटेशन नहीं दिया मतलब कोटेशन में पहुंचो ये ऑलरेडी कोटेशन है डॉलर कोटेशन दिया हुआ है ये ऑलरेडी डॉलर है तो डायरेक्ट आंसर आया यहाँ पर कोटेशन यन है तो यन से पहले डॉलर में पहुंचे फिर हम आंसर देंगे तो यन बाई मतलब डॉलर सेल डॉलर सेल होगा सस्ते में 90.50 यन सेल मतलब डॉलर बाई, डॉलर बाई होगा 91.50 इस तरीके से करोगे आई गारंटी आपका कभी भी कोई मिस्टेक होने का चांस ही नहीं स्कोप ही नहीं फिर देखो आगे और देखते हैं यन पर डॉलर हमने देखा आगे और देखते हैं एसजीडी टू पॉइंट फाइव जीरो मैंने अब मुझे बताना एस जी डी सेल करना है एस जी डी बाई करना है क्या सीधा लिख दूं मैं क्या सीधा लिख दूं अरे भाई कोट किसका दिया हुआ कोटेशन में पहुंचो आप बताओ पार्टिसिपेट करो मेरे साथ करो मेरे साथ पार्टिसिपेट चैट बॉक्स को तोड़ डालो फोड़ तो डालो ट बॉक्स में जो भी करो कुछ भी करो लेकिन पार्टिसिपेट करो कैरी मीनेटे की तरफ लेकिन पार्टिसिपेट करो बताओ एस अगर सेल करोगे तो क्या सीधा लिख दे अच्छा सेल तो सस्ता में होगा ये लिख पर एसडीडी महंगाइंट जीरो लिख दो बर्बाद हो जाओगे आप आप ये देखो कोटेशन डॉलर का दिया हुआ एसजीडी पर डॉलर एक डॉलर का भाव दिया हुआ है तो कोटेशन में पहुंचो एसडीडी सेल मतलब डॉलर बाई एस डी डी बाई मतलब डॉलर सेल डॉलर का कोटेशन दिया हुआ महंगा में बाई होगा सस्ता में सेल होगा आंसर आ गया आपका हाँ अगर मैं लिखता हूँ जबकि ये कोटेशन है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं डॉलर सेल किस में होगा सस्ता में होगा डॉलर बाई किसमें होगा महंगा में होगा बताओ हो आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है यानी जिसका कोटेशन दिया हुआ है जिस करेंसी का कोटेशन दिया हुआ है वो महंगा में बाई होगा जिस करेंसी का कोटेशन दिया हुआ वो महंगा में बाई होगा जिस करेंसी का कोटेशन नहीं दिया हुआ है उसको अगर नहीं दिया हुआ तो उसको कोटेशन में लेके जाओ फिर डिसाइड करो यानी आपको दिमाग में इतना ही रखना है जिस करेंसी का कोटेशन दिया हुआ वो महंगा में बाई होगा सस्ता में सेल होगा चलो एक क्लास वर्क लेते हैं पर पाउंड बताना मुझे यहां पर बताओ मुझे पाउंड सेल करना है सेल करना है एयूडी बाई करना है करना है पाउंड करना क्या करे? क्या करें करें पहले तो जिसका कोटेशन दिया वो उसका आंसर कर लेते हैं पाउंड का कोटेशन दिया हुआ है पाउंड सेल सस्ता में होगा ये 1.95 होगा

इससे बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैंने देखा मैंने बहुत सारे तरीके आज में इससे बेहतर तरीका है ही नहीं इस तरीके से कभी भी गलती होगी नहीं आपकी एयूडी एय कोटेशन पाउंड का दिया हुआ मतलब पाउंड पाउंड सेल सेल करेंगे में इससे फायदा क्या हो रहा है पता है हम पाउंड में पहुंच रहे हैं और पाउंड सेल ये होगा भाई ये होगा बस बात खत्म मतलब आप हमेशा कोटेशन में पहुंच जाओ और सेल करना है तो बिड आस्क करना करना है तो आस्क मतलब क्लियर रहेगा आपका दिमाग एकदम आपको पता रहेगा लेफ्ट वाला सेलिंग रेट है राइट right वाला बाइंग रेट है आप किसका कोटेशन का आप कोटेशन में पहुंच के डिसीजन ले लो बात खत्म अब मुझे बताओ क्या मक्खन लगा कि नहीं लगा ये बिडास का आपको मक्खन लगा लगा कि नहीं मुझे बस इतना बताओ एक बार मुझे अगर ये बिडास का मक्खन लगा तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं मैं थोड़ा सा थोड़ा खेलेंगे और ज्यादा बड़ा ज्यादा ऊंचा खेलेंगे बताओ एक बार ये बिडास का समझ में आया कि नहीं आया जयस जी पूछ रहे कितने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं टू में सीए बना था और सी ए बनने के बाद दो महीने के बाद मैं पढ़ाना चालू कर दिया था तब से पढ़ा रहा हूँ मुझे अराउंड अभी सात साल हो चुका है बोलो मक्खन लगा कि नहीं लगा मैंने बहुत सारा रिसर्च इसमें करा है बहुत टाइम दिया है मैंने और अब मैं जानता हूँ कि इससे ज्यादा ईजियस्ट तरीका नहीं होगा एकदम कोकोनट वाटर लग रहा है मजा आ रहा है सबको मजा आ रहा है आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा है चलो बहुत ही अच्छी बात है अगर मक्खन लग रहा है मजा आ रहा है तो लाइक कर दो लाइक से मुझे पता चल जाएगा रियल में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है उससे मुझे पता चल जाएगा चलिए तो अब मैं आपके साथ थोड़ा सा मैं काम करता हूँ मैं हमारे नोट से कुछ एक डेटा लेता हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे और कुछ नहीं है ठीक है ये समरी नोट से मैं थोड़ा सा डेटा ले ले रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बचे ये देखो एकदम ध्यान देने एकदम अच्छे से अभी और मजा आने वाला है देखो यहां पर अब मान लो मेरे पास बात सुनो मेरे पास पॉकेट में मान लो डॉलर है मेरे पास मान लो थोड़ा सा आपको मैं मेहनत करवाऊंगा ठीक है मैं मेहनत कराऊंगा मेरे साथ मेहनत करना मान लो मेरे पास पॉकेट में डॉलर है और मैं डॉलर बेच के एयूडी खरीदना चाहता हूं अब एक बात सुनो जो मेरे पास होगा क्या वो मैं कभी खरीदता हूं क्या आपके पास जो चीजें होती है वो आप कभी नहीं खरीदते जो आपके पास नहीं होता वो आप खरीदते हो और जो हमारे पास होता है यूजली वो हम बेच देते जैसे मेरे पास एफ आई आर की कोर्सेस है मेरे पास एस एफ एम के कोर्सेस है मैं बेच देता हूँ आपके पास एफ आर एस एफ एम के कोर्सेस नहीं तो आप खरीद लेते हो है ना तो वही जो हमारे पास नहीं होता है वो हम खरीदते जो हमारे पास होता है वो हम बेच देते तो आप देखो इसके पास इसके पास इन हैंड है फिर तो डॉलर थोड़ी ना खरीदेगा मेरे भाई इसके पास इन हैंड क्या डॉलर है तो क्या ये डॉलर खरीदेगा नहीं ये तो डॉलर को बेचेगा और ये बोल भी रहा है कि डॉलर बेच के ये खरीदना चाहता है एयू तो अब देखो क्या डॉलर से सीधा एयूडी का रेट दिया हुआ नहीं है तो पता है क्या कर सकता है ये डॉलर बेच के पाउंड खरीद लेगा फिर यूरो पर पाउंड में पाउंड बेच के यूरो खरीद लेगा फिर यूरो बेच के रुपया खरीद लेगा फिर रुपया बेच के एस खरीद लेगा फिर एस बेच के यन खरीद लेगा फिर यन बेच के एयूडी खरीद लेगा मैंने जान मुझ के ऐसा बनाया जान मुझ के ऐसा मैंने बनाया कि आप डॉलर को बेच के फाइनली एयूडी खरीद लोगे तो अब हम आराम से करेंगे इसमें थोड़ा सा समय देंगे ध्यान देना एकदम अच्छे से मेरी बात सुनो मुझे डॉलर बेचना है क्या कोटेशन डॉलर का दिया हुआ है कि पाउंड का दिया हुआ है तो मैं सीधा डिसीजन ले नहीं सकता डॉलर बेचना है मतलब आप क्या बिड बोल दोगे नहीं आप ये तो आपके दिमाग में महंगा में बाई सस्ता में सेल पर कौन सा जिसका कोटेशन दिया हुआ उसकी बात करो महंगा में बाई सस्ता में सेल लेकिन जिसका कोटेशन दिया हुआ उसकी बात करो यानी पाउंड की हम बात कर सकते हैं तो आप यहां पर आप यहां पर यह समझो कि डॉलर अगर आपको सेल करना है डॉलर फिफ्टी थाउजेंड इन हैंड है मतलब हमें यह तो पता चल गया कि हमें डॉलर बेचना है जो हाथ में होगा वो बेचेंगे और वो बेच के यूडी खरीदेंगे तो डॉलर बेचना है मतलब पाउंड क्या, क्या करना है भाई डॉलर बेचना है मतलब पाउंड क्या करना है खरीदना है ना पाउंड क्या करना है खरीदना है डॉलर बेचेंगे मतलब पाउंड खरीदेंगे यहां पर क्रॉस करेंसी नहीं लगाऊंगा मैं तो सिंपल लॉजिक से समझाऊंगा आपको मैं है ना मान लो छह अलग अलग बैंक है मैं हर बैंक के थ्रू दूसरे दूसरे बैंक में जाऊंगा और फाइनली ईओडी खरीद लूंगा मैं बैंक ए के पास जाऊंगा बैंक ए को मैं डॉलर बेच दूंगा और पाउंड खरीद लूंगा तो डॉलर बेचना मतलब पाउंड खरीदना और पाउंड खरीदेंगे किस पे महंगा पे जिसका कोटेशन है उसमें पहुँचो मतलब ये हमारे लिए कोई काम का नहीं आप हमेशा ध्यान में रखना आपके लिए बिड या आस्क दोनों में से एक रेट ही काम का होगा और ये वाला काम का वन पॉइंट टू समझ में आया अब बताओ डॉलर बेच के मैं पाउंड खरीद लिया तो अब मैं जब बैंक ए से बाहर निकलूंगा तो मेरे जेब में अब डॉलर है कि पाउंड है जो भी हो डॉलर मैं डॉलर को बेचूंगा पाउंड को खरीदूंगा तो अब बैंक ए से जब मैं गेट से बाहर निकलूंगा तो आप मेरे पॉकेट में क्या पाओगे डॉलर 50000 पाओगे कि उसको कन्वर्ट करके मेरे पास पाउंड आ गया अब मेरे पॉकेट में क्या है पाउंड है। अब मेरे पॉकेट में क्या है पाउंड है तो बताओ मैं पाउंड को करू? मेरे में उसको मैं क्या करूं जो तो तो मैंने आया बैंक डॉलर को बेच के मैंने पाउंड खरीदा अब बैंक बी के पास मैं पाउंड को बेच के यूरो खरीदूंगा। तो को बेचना है कोट भी पाउंड का दिया हुआ है तो यूरो की तरफ क्यों डाइवर्ट हुए हम? मैंने ये बोला कि पाउंड यहां पर खरीदा था ना अब पॉकेट में पाउंड है पाउंड को मैं बेचूंगा और पाउंड का ही कोट दिया हुआ है तो पाउंड को मैं बेचूंगा किस रेट पे पाउंड का कोट दिया हुआ है पाउंड सस्ता में बेचा जाएगा महंगा में खरीदा जाएगा तो पॉइंट नाइन फाइव पे बेचेंगे आंसर आ रहा है चलो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है यहां पर अब ये समझ में आ गया अब बैंक बी से जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे पॉकेट में पाउंड होगा क्या नहीं मेरे पॉकेट में यूरो होगा क्योंकि मैंने पाउंड बेच के यूरो खरीद लिया अब मेरे पॉकेट में यूरो, है। अब hmm. तो यूरो को बेचूंगा, तो बेचूंगा, बेचूंगा मतलब वह वहां पहुंचना होता है ना मैं यूरो बेचूंगा मतलब रुपया खरीदूंगा तो रुपया खरीदना है रुपया खरीदना है रुपया का कोट है खरीदना है किस पे महंगा पे ये वाला कोई काम नहीं अब रुपया खरीद लिया मेरे पॉकेट में क्या गया रुपया गया अब मेरे पॉकेट में क्या गया? आ गया रुपया आ गया यानी पहले मेरे पॉकेट में डॉलर था फिर पाउंड आया फिर यूरो आया अब रुपया आ गया अब मेरे अब मेरे जेब में रुपया रुपया है लेके मैं बैंक डी के पास जाऊंगा तो रुपया पॉकेट में तो रुपिया रुपिया तो रुपया रुपया बेचूंगा का दिया हुआ नहीं एसडीडी का कोट दिया हुआ है रुपया बेचूंगा मतलब एसजीडी खरीदूंगा एसजीडी खरीदूंगा एसजीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा क्योंकि कोट एसजीडी का दिया हुआ है रुपया बेचना है मतलब एसजीडी खरीदना है एसजीडी खरीदेंगे किस पे महंगा में यानी इसका कोई काम नहीं है एसडीडी खरीदेंगे किस पे महंगा में ये हमने समझ लिया अब एसडीडी खरीद लिया बैंक डी से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम एसडीडी लेके बाहर निकलेंगे बैंक डी से जब हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जेब में एसडीडी होगा अब बैंक ई को हम डी बेचेंगे बैंक ई को हम डी बेचेंगे और येन खरीदेंगे तो एसडीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचू कि एसडीटी एस जी टी बेचूंगा SGD बेचूंगा मतलब येन खरीदूंगा पर मैं एसडीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और एसडीटी तो मुझे बेचना है एसडीटी बेचना है मतलब बेड तो कोई काम नहीं अब एस डी टी मैंने बेच दिया तो मेरे पॉकेट में ये गया अब मेरे पॉकेट में ये नहीं क्योंकि एसडीटी बेच के मैंने ये खरीद लिया और सोचा मैंने एसडीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए मेरा बेट आ गया क्योंकि एस जी डी का कोड दिया हुआ है एस डी टी तो बेचने एस डी डी बेचा और येन मेरे में आ गया, अब येन 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 मैंने खरीद लिया मेरे पॉकेट में अब लेके मैं क्या करूंगा येन लेके मैं क्या करूंगा बैंक एफ के पास जाऊंगा है ना तो येन मेरे पॉकेट में येन बेचूंगा मतलब एयूडी खरीदूंगा कोटेशन तो एयूडी का है येन बेचूंगा मतलब एयूडी खरीदूंगा और एयूडी खरीदेंगे किस पे महंगा पे तो बताओ आपको अब ये पता चल गया अब हम इसके बारे में कन्वर्सन हम निकालेंगे अल्टीमेटली क्या हमारा कॉस्ट पड़ेगा फिफ्टी थाउजेंड डॉलर देने पर हमें कितना एयूडी मिलेगा वो मैं बाद में सिखाऊंगा लेकिन अब ये समझो इसका कोई काम नहीं है सिर्फ ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसी रेट का हम यूज़ करेंगे इसी रेट का हम यूज़ करेंगे आगे जो हाईलाइट किया हुआ उसी रेट का हम यूज़ यूज तो बोलो समझ में आया एकदम अच्छे से जी हाँ एकदम अच्छे से अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इस बार पांच बैंक का एग्जाम्पल है कि मैं ऐसे रेंडम वैल्यू ले रहा हूं इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं ये मैंने वैल्यू लिखा मान लो मेरे पास अभी मैं मानता हूं डॉलर फिफ्टी थाउजेंड फिर से ले रहा हूं डॉलर फिफ्टी थाउजेंड इन टू बाई यूरो, यूरो खरीदना है अब आप पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो आराम से डॉलर फिफ्टी थाउजेंड मेरे हाथ में है और मुझे क्या करना है मुझे खरीदना है रुपया डॉलर से रुपया खरीदूंगा रुपया से पाउंड खरीदूंगा पाउंड से येन खरीदूंगा येन से एसजीडी खरीदूंगा एसजीडी से यूरो खरीदूंगा तो मैं डॉलर से क्या रुप, यूरो खरीद सकता जी हां, पर मुझे पांच अलग अलग, अलग बैंक का सहारा लेना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं हम ले लेंगे हम मेहनत कर लेंगे तो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे पास डॉलर है तो डॉलर जो होता है वो बेचते कितनी बार बताऊं आपको मैं जो हमारे पास इन हैंड होता है वो हम बेचते हैं तो हम डॉलर बेचेंगे पर कोर्ट तो डॉलर का दिया हुआ नहीं तो सीधा डिसीजन लेके मत बोल देना कि ये वाला आएगा बोले तो डॉलर बेचना है पॉइंट ले बेचना है बेचना है मतलब सस्ता वाला अरे भाई रुक जा डॉलर डॉलर का कोट ही नहीं दिया हुआ है रुपया का कोट दिया हुआ है डॉलर बेचना है मतलब रुपया खरीदना है क्योंकि कोट रुपया का दिया हुआ है तो रुपया क्या पॉइंट सोचना पड़ेगा डॉलर बेचना है यानी रुपया खरीदना है मतलब रुपया खरीदेंगे महंगा पे इसका कोई काम नहीं है इसका कोई काम नहीं है चलो ये हमने समझ लिया डॉलर बेचना है मतलब रुपया खरीदना है अब रुपया खरीद लिया तो पॉकेट में क्या किया रुपया आ गया तो बैंक ए से जब बाहर निकलूंगा निकलूंगा तो रुपया लेके बाहर बाहर तो बात खत्म बैंक ए से निकला रुपया लेके अब मेरे पास पॉकेट में क्या है रुपया है बैंक ए से बाहर निकला रुपया लेके मेरे पास पॉकेट में रुपया है अब बैंक बी के पास जाऊंगा तो रुपया बेचूंगा रुपया बेचूंगा और पाउंड खरीदूंगा तो रुपया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच ही नहीं सकते क्योंकि पाउंड का कोट दिया हुआ है रुपया बेचना है मतलब पाउंड खरीदना है पाउंड खरीदना है मतलब महंगा वाला होगा ये कोई काम का नहीं है अब मेरे पॉकेट में क्या गया? आ गया पाउंड आ गया बैंक बी से जब बाहर निकलूंगा मेरे पॉकेट में पाउंड होगा बैंक सी में मैं पाउंड को बेच के यन खरीद लूंगा पाउंड को बेच के यन खरीद लूंगा तो पाउंड को बेचने का यहां पर मैं लगा ही नहीं सकता क्योंकि कोट यन का दिया हुआ है पाउंड बेचना मतलब यन खरीदना मतलब ये वाला हो जाएगा अब मेरे पॉकेट में क्या है यन है अब मेरे पॉकेट में क्या है येन है अब मैं येन को बेचूंगा और कोड भी देखो यहाँ पर येन का ही दिया हुआ है येन को बेचूंगा येन का कोड दिया हुआ मतलब होगा येन बेचूंगा मतलब एसजीडी खरीद के मेरे पास पॉकेट में एसडीडी आ जाएगा है ना अब बस ये ध्यान में रखना जिसका कोड दिया हुआ है ना उसके हिसाब से सोचना है अब मेरे येन को बेचा इस रेट पे मेरे पास एस डी डी आ गया अब बैंक ई -मे में मैं एस जी डी को बेचूंगा एसजीडी बेचूंगा मतलब यूरो खरीदूंगा SDD बेचूंगा मतलब यूरो खरीदूंगा यूरो का कोट दिया हुआ यूरो खरीदूंगा मतलब महंगा वाला पे बोलो समझ में आया एकदम अच्छे से एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं है बोलो यहां तक परफेक्ट है मतलब मैं आपको एक बार विडास में परफेक्ट बनाना चाहता हूं रीड करने में परफेक्ट बनाना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन आपका सही रहे कोटेशन कैसा भी क्यों ना दिया हुआ है आपका इंटरप्रिटेशन एक बार में पक्का बनाना चाहता हूं मैं बस एक और एग्जाम्पल कराऊंगा फिर हो जाएगा फिर मुझे लगता है आपका इंटरप्रिटेशन पक्का हो जाएगा इस बार आप करना आप मुझे चैट बॉक्स में बताना मैं कुछ नहीं बताऊंगा से हम क्या ले लेते एक और करेंसी आग में नहीं आ रहा है कोई करेंसी बता दो तो और क्या करेंसी बहुत सारी है डॉलर पाउंड यूरो ये चप ले, ले तो इस तरह ले लिया टी एच एफ पहले आंसर देने लग गए क्या इस बार रुपया लिए नहीं जा मुझके चलो ये मैंने लिया इस बार मैं रखता हूं टू बाई फिफ्टी थाउजेंड पीएचए अमाउंट इन हैंड कितना येन ये 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 है ये नहीं पूछा कितना येन है ये नहीं बताया हमारे पास बोलो बहुत है हमारे पास हमारे पास इन हैंड जो है वो येन है बहुत सारा है हमें 50,000 थाउजेंड सी एच खरीदना है तो ये तो पता चल गया कि येन हमारे पास है और हम येन से खरीदेंगे सी एच एफ ये हमें पता चल गया तो येन बेचेंगे है ना अमाउंट इन हैंड जो हाथ में वही तो बेचते हैं तो येन बेचेंगे हम येन बेचेंगे यहाँ है पर यानी येन, येन, येन सेल करेंगे और सी एच करेंगे अब आप पार्टिसिपेट करके मुझे बताओ आप मुझे पार्टिसिपेट करके बताओ बताओ फटाफट से क्या होगा आप चैट बॉक्स में जो बताओगे वही लिखूंगा मैं का आंसर आ रहा है ये वाला आप पार्टिसिपेट करो नेक्स्ट वाला बताओ क्या क्या करना एक बार आपका मैं देख लेता तो हूं फिर चेक करूंगा सही है कि नहीं है सब पार्टिसिपेट सब कोई पार्टिसिपेट करेगा यहां पर सब कोई पार्टिसिपेट करेगा तब मजा आएगा पढ़ने का मजा आएगा जो बोलोगे वही मैं लिखूंगा आपका मैं अभी कुछ नहीं चेक कर रहा आप जो बोलोगे वो लिखूंगा मैं। चलो सेकंड वाला भी बहुत जनों ने 1.5 बताया थर्ड वाला मुझे बताओ आप जो आप लोग बोले वो वही लिखना अच्छा है सबको अच्छा बहुत अच्छा है सब पार्टिसिपेट कर रहा हूं मजा आ रहा है ठीक है आप अच्छा लग रहा है फोर्थ वाला बताओ फोर्थ वाला बताना पॉइंट नाइन फाइव सबने बताया फोर्थ वाला भी सबने पॉइंट नाइन फाइव बताया लास्ट में वेरीफाई करेंगे पर मुझे बताओ पहले फिर तो बताना वन ट्वेंटी सिक्स लास्ट वाला तो बताओ लास्ट वाला तो बताना किसी किसी का गड़बड़ भी हो रहा है लास्ट वाले तो में लास्ट वाला कितना होगा पॉइंट जीरो चलो मैंने ये वाला लिख दिया अब चलो अब मजा आ रहा है अब आप लोग कर रहे हो ना पार्टिसिपेट तो मजा आ रहा है अब हम देखते हैं सही होगी नहीं आप लोग अच्छा लगा सर पार्टिसिपेट करें बहुत जन गलत भी दे रहे हैं कोई नहीं गलती जितनी करोगे उतना सीखोगे आप तो गलती से घबराने की जरूरत नहीं गलती करोगे तभी तो सीखोगे तो गलती से डरने की जरूरत नहीं है ना बिल्कुल भी ना डरना गलती से गलती से तो डरना ही मत अब देखते हैं हम हमें यन बेचना है सबसे पहले दिमाग से पूछो क्या यन का कोड दिया हुआ नहीं यन बेचना है मतलब पाउंड खरीदना है पाउंड खरीदना है महंगा में सही एक दम, में पाउन पाउन एक है एकदम परफेक्ट अब पाउंड पॉकेट में पाउंड बेचेंगे पाउंड का कोड दिया हुआ है पाउंड बेचेंगे सही एकदम पाउंड बेचेंगे तो डॉलर हमारे हाथ में आ जाएगा अब हमारे पॉकेट में डॉलर है अब डॉलर को बेचेंगे और डॉलर का एक कोट दिया हुआ है ये एकदम सही है। डॉलर को बेचा AUD AUD bank, AUD को तो एयूडी मिल गया अब पॉकेट बेचेंगे मतलब यूरो, को यूरो का कोट है और यूरो तो खरीदना है मतलब ये वाला भी सही है यूरोना है अब पॉकेट में यूरो आ गया हमारे अब यूरो को बेचेंगे यानी सी एच एफ को खरीदेंगे मतलब ये वाला आ गया बिल्कुल सही है आपने हंड्रेड परसेंट सही आंसर दिया है, मजा आ गया एकदम मजा आ गया तो मतलब आई थिंक अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया अब बस एक होमवर्क तो बनता है आपके लिए एक होमवर्क तो बनता है करने के लिए ये आपके लिए होमवर्क है अभी कर सकते हो तो अभी कर लेना मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप खुद करोगे ये मैंने कोटेशन दिया हुआ आप खुद से करोगे मान लो आपको क्या करना है सेल करना है यूरो बाई करना है सेल करना है यूरो बाई करना, करना है और यूरो कितना बाई करना है ट्वेंटी थाउजेंड यूरो बाई करना है थाउजेंड तो करोगे नरेंद्र को बच्चर आप क्या खा रहे हो प्लीज बता दीजिए इसे मतलब हम तो सैतालू कहते हैं हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है ये बहुत अच्छा फल होता है मुझे पसंद है तो चलो ठीक है ये वाला आप खुद से कर लोगे सेल्फ चलो डन तो ये वाला पार्ट बिडास मैंने आपको समझा दिया अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कन्वर्सन अब प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता दू बच्चे लोग कन्वर्सन करते समय गलतियां करते हैं कन्वर्सन करने के लिए भी मुझे अब आपको पहले कन्वर्सन का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा कन्वर्सन का कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ पहले विडास अलग चीज है कन्वर्सन अलग चीज है मैं आपको समझाना चाहता हूँ अभी कन्वर्सन कन्वर्सन क्या है अब मेरी बात सुनो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना वन कैलकुलेटर अगर रुपीस एट्टी का है एकदम ध्यान से आराम से कन्वर्सन भी एकदम मजा लगेगा इंटरेस्ट आएगा वन कैलकुलेटर अगर एट्टी रुपीज का है तो आप मुझे बताओ देर फोर हंड्रेड कैलकुलेटर कितने का होगा आप बोलोगे एट्टी इंटू हंड्रेड एट थाउजेंड रुपीज का होगा सिंपल सी बात है मतलब मैं वही कहना चाहता हूं रुपी पर कैलकुलेटर अगर मैं लिखता हूं रुपी पर कैलकुलेटर अब दुकानदार के पास गे? आपने पूछा पर कैलकुलेटर बता तो दुकानदार ने बोला एट्टी रुपीज पर कैलकुलेटर ठीक है तो दुकानदार भाव किसका दे कैलकुलेटर का भाव दे रहा है है भाव का दे रहा कैलकुलेटर का कि रुपया का भाव दे रहा है इसको देख के बताओ कोटेशन दुकानदार रुपया का दे रहा है कि कैलकुलेटर का दे रहा है दुकानदार कोटेशन कैलकुलेटर का दे रहे एट्टी रुपीज डन दुकानदार ने कैलकुलेशन का कैलकुलेटर का कोटेशन दे दिया है एट्टी रुपीज अब हमने उसे बोला ठीक है एट्टी रुपीज आपका एक कैलकुलेटर का दाम है देरफोर हमने उसे बोला देर फोर फाइव हंड्रेड कैलकुलेटर का कितना होगा मुझे बताओ फाइव यूनिट कैलकुलेटर का कितना होगा अगर एक कैलकुलेटर का दाम एट्टी रुपीज है तो फाइव यूनिट कैलकुलेटर का दाम कितना होगा अब दुकानदार बोले सिंपल सी बात है ये भी कोई पूछने वाली बात है कर ले कैलकुलेटर एक कैलकुलेटर का दाम एट्टी रुपीज है तो ठीक है ऐसा लिखता है बार तो टेन कैलकुलेटर का दाम कितना होगा एट्टी टू टेन एट हंड्रेड होगा हंड्रेड कैलकुलेटर का दाम कितना होगा एट्टी इंटू हंड्रेड एट थाउजेंड होगा थाउजेंड टेन थाउजेंड कैलकुलेटर का दाम कितना होगा एट्टी इंटू टेन थाउजेंड एट लाख रुपीस का होगा मतलब यहाँ पर पता है क्या हो रही है सीधी बात हो रही है नो बकवास यहाँ पर सीधी बात हो रही है कैसे सीधी बात हो रही है यहाँ पर सीधी बात इसलिए पता चल रहा हो रही है क्योंकि एक कैलकुलेटर का भाव बता रहा है आपको और आप भी सीधी बात करो टेन कैलकुलेटर का कितना दाम हंड्रेड कैलकुलेटर का कितना दाम टेन थाउजेंड कैलकुलेटर का कितना दाम आप भी सीधी बात करो पर सोचो ना कोई एक बंदा है जो मेंटोस खा के आया और वो उल्टी बात कर रहा है फिर भी रुपी पर कैलकुलेटर अगर एट्टी है तो अगर आपसे बोला जाए कि फोर हंड्रेड रुपीज में कितना कैलकुलेटर आएगा तो बताओ दुकानदार को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा दुकानदार कैलकुलेटर का कोटेशन दे रहा है एट्टी रुपीज और मैं पता उसकी उंगली कर रहा हूं उसे मैं और दुकानदार को सुबह सुबह पहुंच गया उंगली करने को और दुकानदार के पास पहुंच गया उंगली करने दुकानदार को बोलो उठी चार सौ रुपए में कितना कैलकुलेटर देगा बताना पांच सौ रुपए में कितना कैलकुलेटर देगा बताना हजार रुपए में कितना कैलकुलेटर देगा बताना क्या मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं वहां पर क्योंकि दुकानदार मुझे कैलकुलेटर का भाव दे रहा है और मैं उससे मस्ती करते हुए यह नहीं बोल रहा कि मुझे फाइव कैलकुलेटर चाहिए कि टेन कैलकुलेटर चाहिए मैं उसे यह बोल रहा हूँ कि मुझे 400 रुपए में कितना कैलकुलेटर देगा हजार रुपए में कितना कैलकुलेटर देगा तो दुकानदार पता क्या करेगा वो बोले ठीक है एक कैलकुलेटर का दाम 80 रुपए है, तो 400 डिवाइडेड बाय 80 कर दो पांच कैलकुलेटर बोलेगा वो है ना अगर मैं उसे बोलूंगा 40000 में कितना कैलकुलेटर मिलेगा वो तो करेगा 40000 डिवाइडेड बाय 80 बोलेगा 500 कैलकुलेटर यानी आप ये समझो अब इससे मैं क्या लॉजिक देना चाहता हूं आप ये समझो कैलकुलेटर का भाव दिया दुकानदार ने अब अगर आप कैलकुलेटर की ही बात करोगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है कैलकुलेटर की बात करोगे तो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वही अगर आप रुपया की बात करने लग गए तो डिवाइड हो रहा है तो यहां पर आप ये समझो रुपी पर कैलकुलेटर बात कैलकुलेटर की हो रही डेट इज कोट जो है वो गिवन है फॉर कैलकुलेटर आप समझो अगर हमें कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट नंबर ऑफ कैलकुलेटर हम मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट नंबर ऑफ रूपी हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब जिसका कोटेशन दिया हुआ है ध्यान से समझो जिसका कोटेशन ये बेस बेसिक मैथ्स है मैं कोई आपको फॉरिक्स नहीं पढ़ा रहा अभी ये बेसिक मैथ्स है कि जिसका कोटेशन दिया हुआ है कैलकुलेटर का कोटेशन दिया हुआ है कैलकुलेटर के बारे में बात करोगे मल्टीप्लाई होगा कैलकुलेटर को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई होगा रुपया का कन्वर्ट करोगे डिवाइड होगा ये तो आपको बेसिक आपने खुद ही बता दिया मुझे चैट बॉक्स में सिंपल सी बात है ना तो आप अगर सिंपल सी बात है अगर एक कैलकुलेटर का दाम 80 रुपीज है और आप बोलोगे कि फोर हंड्रेड रुपीज में कितना कैलकुलेटर मिलेगा सिंपल सी बात है दुकानदार को डिवाइड करना पड़ेगा तो वही अब मैं लेना चाहता हूं मेरा बेसिक में रुपये पर डॉलर में अगर मान लो रुपयी पर डॉलर एट्टी है अगर मान लो रुपी पर डॉलर एट्टी है तो मैं अगर आपसे पूछू फाइव डॉलर क्या होगा बताओ फाइव डॉलर क्या होगा तो मैं इंटू फाइव कि 80 डिवाइडेड करूं, 80 करूं मैं? मैं क्या करूं मैं बोलूंगा फाइव हंड्रेड इंटू एटी कर ले क्यों, 80 करना है क्योंकि एक डॉलर का दाम एट्टी रुपीज है तो फाइव डॉलर का दाम फाइव हंड्रेड इंटू होगा टेन थाउजेंड डॉलर का दाम कितना होगा अगर मुझे टेन थाउजेंड डॉलर को कन्वर्ट करना टेन थाउजेंड डॉलर इंटू एटी लिख दूंगा मैं सिंपल सी बात है लेकिन सोचो अगर मैं बात करूंगा टेन थाउजेंड रुपीज की तो टेन थाउजेंड रुपीज यहाँ पर आएगा कितना ये फोर्टी थाउजेंड रुपीज यहाँ पर आएगा ये रुपीज एट लैख मतलब फाइव हंड्रेड डॉलर इक्वल इतना रुपया होगा टेन थाउजेंड डॉलर इक्वल इतना रुपया होगा अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि टेन थाउजेंड रुपी इक्वल कितना डॉलर होगा तो आप क्या करोगे आप बोलोगे एक डॉलर का दम एट्टी रुपीज है कोटेशन डॉलर का दिया हुआ है मैं मजाक मस्ती कर रहा हूं मैं काउंटर अटैक कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं टेन थाउजेंड रुपीज में कितना डॉलर मिलेगा तो मैं क्या करूं मैं टेन थाउजेंड इन एट्टी करूंगा कि टेन थाउजेंड डिड बाई एट्टी करूंगा मुझे टेन थाउजेंड डिड बाई कर मुझे टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई एट्टी करना आप एक और इसमें लगा सकते हो लॉजिक कि मैंने बोला कोटेशन डॉलर का दिया हुआ है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला भाव कहीं ना कहीं डॉलर का होता है डिनोमिनेटर के साथ खेलना होता है हम डिनोमिनेटर में खेल रहे हैं और उसको भी दिमाग से हटा दो आप कन्वर्सन में बस इतना सोचो कन्वर्ट जब आपको करना है बिडास को मैं अलग रखता हूँ कन्वर्सन को मैं अलग रखता हूँ और आप भी हमेशा ऐसे ही करोगे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो देखिएगा मैं बिडास को अलग रखूंगा कन्वर्सन को अलग रखूंगा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आई गारंटी गलत नहीं होगा लेकिन अगर आप लोग बिडास को कन्वर्सन को एक रखते हो इसलिए आप देखना आप गलती भी बहुत करते हो और फॉरेक्स में आप फंस जाते हो पर मेरे स्टाइल में करोगे तो फॉरेक्स में कभी भी फंसने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और उसी स्टाइल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका कोटेशन दिया हुआ है अगर उसी को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई जिसका कोटेशन दिया हुआ है उसको नहीं दूसरे जिसका कोटेशन नहीं दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा तो देखो टेन थाउजेंड रुपीज को कन्वर्ट करना है पर कोटेशन तो डॉलर का दिया हुआ है कन्वर्ट करना है रुपया को तो डिवाइड होगा फिर आगे फाइव लाख रुपये को कन्वर्ट करना है अब कोटेशन तो डॉलर का दिया हुआ है तो फाइव लाख रुपीज डिवाइडेड बाई एटी तो इससे हमारा डॉलर आ जाएगा तो टेन डिवाइडेड बाई एटी ये वन डॉलर आ गया फाइव लाख डिवाइडेड एटी ये आ गया सिक्स तो यानी हमारा यहां, 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 यहां पर पॉइंट क्या बनेगा नोट क्या बनेगा ये आपको दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा ये सब नहीं लिखने से भी चलते हैं जिस करेंसी का कोट है यानी जिस करेंसी यहां पर डॉलर का कोट है जैसे If उसी को कन्वर्ट करना है इफ उसी को कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई फिर जिस करेंसी का कोट नहीं है दट इज यहां पर रुपया का कोट नहीं है इफ उसको कन्वर्ट करना है क्या होगा डिवाइड होगा ये बेसिक मैथ्स है ये कुछ सिखाने वाली चीज नहीं ये है ये बेसिक मैथ्स है ठीक है ये मैंने इंग्लिश में लिखा है बस हिंदी के सेंटेंस में लिख दिया ताकि आपको दिमाग में बसा रहे आपका ही डन तो एकदम अच्छे से मुझे समझ में आ गया बेसिक मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ गया अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा देता हूं फटाफट से

दिया हुआ है किसका एसजीडी का तो डिवाइड होगा बस बात खत्म क्या गया ट्वेल्व थाउजेंड क्या ट्वेल्व थाउजेंड क्या यह एसजीडी है और इधर फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन टू पॉइंट एट सेवन फाइव जीरो फोर फाइव नाइन थ्री सेवन फाइव देखो एसजीडी को कन्वर्ट कर दिया तो अब ये येन बन गया फाइव थाउजेंड येन है, इसको कन्वर्ट कर देंगे डिवाइडेड बाई फाइव सेवन वन फोर अप्रोक्स फाइव सेवन वन फोर ये क्या बन गया एसडी बन गया ठीक है एक एग्जाम्पल एक, एक और आप लोग के लिए करवा देता हूं होमवर्क नहीं दूंगा करवा दूंगा आप EUD रुपी, 67, रुपी को करना, का दिया हुआ है इसी को कन्वर्ट करना है तो सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फाइव आंसर बता दो कितना आएगा टेन थाउजेंड ईडी को कन्वर्ट करना कोर्ट दिया हुआ रुपया का एयूडी को कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई बता दो मुझे आंसर क्या आएगा रूपी कैसे होगा पहले वाले का क्या होगा आंसर थ्री एट वन थ्री ये एयूडी होगा ध्यान रखना क्योंकि रुपया को कन्वर्ट करोगे तो अब AUD बन जाएगा ना रुपया को कन्वर्ट करके तो ना रुपया रहेगा डन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फाइव है तो ठीक है इतना ही कुछ होना चाहिए और नेक्स्ट वाला कितना होगा टेन थाउजेंड डिवाइड बाई पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फाइव कितना आएगा वन सेवन सिक्स नाइन ज्यादा आना चाहिए टेन थाउजेंड डिवाइडेड पॉइंट जीरो फाइव सिक्स फाइव है. क्या हो गया आपका ये रुपया आ जाएगा तो अब मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखा दिया अच्छे से एकदम तो मजा आ गया चलो कन्वर्सन भी करना सिखा दिया अब ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो मैंने मार्क कराया ना अब इसको हम कन्वर्ट करना देखते हम डायरेक्टली कर लेंगे हम कन्वर्ट डिटेल में नहीं करूंगा शॉर्ट में करूंगा क्योंकि एग्जाम में भी आपको शॉर्ट में ही कन्वर्ट करना है बोलो तैयार हो आप यहां पर ये वाला क्वेश्चन में देखो आपको डॉलर फिफ्टी थाउजेंड आपके पास इन हैंड है और डॉलर फिफ्टी थाउजेंड बेच के आपको क्या करना है एयूडी खरीदना है तो खरीदने बेचने का काम कर लिया आपने अब आपको मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अब आपको कन्वर्ट करना है आपको ये देखना डॉलर फिफ्टी थाउजेंड बेच के मुझे कितना एयूडी मिलेगा मुझे कन्वर्जन करना है क्योंकि खरीदने बेचने का बिड आज तो मैंने कर लिया अब प्रॉब्लम क्या पता है बच्चे लोग ये गलती करते हैं वो क्या करते कन्वर्जन करते समय भी दिमाग में बिडास खिलाते जिसके चलते प्रॉब्लम आती आपको ये अपने दिमाग में कैसे भी करके बसाना है कि कन्वर्सन करते समय में बिडास के बारे में नहीं सोचूंगा तो खाओ कसम अभी मेरे सामने मेरे सामने अभी कसम खाओ कि कन्वर्सन करते समय हम कसम खाते हैं कि कन्वर्सन करते समय हम बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे तीन बार कसम खाओ नहीं खाओगे मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि तो मैं पहले भी बहुत बार पढ़ाया हूं पर बच्चे ये गलती करते हैं बोलो मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कन्वर्शन करते समय मैं बिड और आस के बारे में नहीं सोचूंगा क्योंकि वो तो मैं पहले ही कर चुका मुझे वन से मतलब नहीं है मुझे पॉइंट से मतलब नहीं है मुझे पॉइंट जीरो से मतलब नहीं है मैंने बिडास कर लिया मैंने किया ना मैंने ये बोला डॉलर मेरा

बोलो जगाती जर की कसम खा के कहते हैं कि हम कन्वर्सन करते समय बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे हम सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोचेंगे क्योंकि आप बिडास करोगे तो बिड या आंस का सोचोगे पर जब आप कन्वर्सन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करना इन सारे वैल्यूज को इन सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करना यानी बिडास के बारे में नहीं सोचोगे अच्छा सुयोग जी बोले सर गीता मना कर हाथ रखने तो ठीक है जिसकी कसम खाते हो जिसको आप एक होता है ना जिसकी कसम वैल्यू नहीं है आप उसकी खा लो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की कसम खा लो चलो चलो इससे अच्छा और क्या हो सकता है अगर आप लोग ये कोई एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड हो उसकी कसम खा लो अब तो मजा आ गया ना हम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की कसम खा के कहते हैं कन्वर्सन करते समय बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे हाँ, अपने एम्प्लॉयर की कसम खा लो या आईसीए की कसम खा लो पर कसम खाना पड़ेगा चलो अब देखो मुझे ये निकालना है कि फिफ्टी थाउजेंड डॉलर इक्वल कितना एयूडी होगा तो देखो ध्यान देने एकदम अच्छे से हाँ सब सी ये प्रिंसिपल की अपने अगर किसी की एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिससे आप हेट करते हो ना उसकी कसम खा लो जिससे आप सबसे ज्यादा हेट करते हो उसकी कसम खा लो देखो अब अब मजाक मस्ती खत्म अब देखो पचास हजार डॉलर फिफ्टी थाउजेंड सॉरी फिफ्टी थाउजेंड डॉलर है

कोट डॉलर का नहीं दिया हुआ जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है उसका कोट नहीं है मतलब डिवाइड होगा कौन सा ये वाला जो आपने टिक कर रखा हुआ है 1.22 1.22 से से डिवाइड होगा डिवाइड होगा द मोमेंट आपने 1.22 से डिवाइड कर दिया अब ये क्या बन गया पता है ये बन गया पाउंड अब ये डॉलर नहीं है ये फिफ्टी डॉलर था वन से डिवाइड करते अब ये बन गया क्या पाउंड अब पाउंड बन, बन गया अब बैंक बी में जाएंगे कन्वर्ट करना है पाउंड को कोट दिया हुआ है पाउंड का मजा आ गया तो मल्टीप्लाई होगा तो द मोमेंट आपने 0.95 से मल्टीप्लाई किया अब ये पूरा का पूरा बन गया यूरो है ना पहले देखो 50000 डॉलर था 50000 डॉलर को हमें कन्वर्ट करना है पाउंड में तो डॉलर को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है पाउंड का डॉलर को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है पाउंड का तो मैंने बोला डिवाइड कर दो

बैंक सी में जाएंगे यूरो को कन्वर्ट करना है कोट यूरो का नहीं दिया हुआ है कोट दिया हुआ रुपया का कोट यूरो का नहीं दिया हुआ है है और यूरो को कन्वर्ट करना यानी डिवाइड नीचे तो जैसे आपने डिवाइड किया अब ये यूरो बन गया क्या रुपया अब यूरो से ये रुपया में कन्वर्ट हो गया देखो पहले डॉलर था 1.22 से डिवाइड करते ये पाउंड बन गया फिर 0.95 से मल्टीप्लाई करने पर ये यूरो बन गया अब 0.0108 से डिवाइड करने पर ये रुपया बन गया रुपया को कन्वर्ट करना है कोड दिया हुआ है देखो रुपया का नहीं दिया हुआ है एसजीडी का कोड दिया हुआ है तो बताओ क्या होगा डिवाइड इतना लेवल तो एग्जाम में आता ही नहीं जितना लेवल मैं मैं आपको आपको करा रहा हूं तो एकदम हाईएस्ट लेवल की तैयारी करवा रहा हूं मैं सच बता रहा हूं इतना लेवल लेवल एग्जाम में आता ही ही नहीं है इससे छोटा आएगा पर फिर भी मैं हाईएस्ट लेवल की तैयारी करवा रहा हूं तो आप देखो 51 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे क्यों क्योंकि रुपया को कन्वर्ट करना था कोड एस का दिया हुआ था रुपया का कोड दिया हुआ नहीं था तो मैंने डिवाइड किया डिवाइड करते ही ये बन गया एसजीडी अब एसजीडी को कन्वर्ट करना है कोट भी एसजीडी का दिया हुआ है मजा आ गया मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई करते ही अब ये क्या बन गया येन बन गया एन, SGD को कन्वर्ट किया येन में अब ये येन बन गया अब येन को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ एयूडी का तो डिवाइड होगा तो अब देखिए आ जाएगा आपका एयूडी का वैल्यू बता दो कितना AUD आ रहा है बता दो कितना AUD आ रहा है फटाफट से मुझे बताओ फटाफट से मुझे बताओ कितना आ रहा है समझ में आया कि नहीं आया सचिन जी कह रहे सर काफी आसान कर दिया आपने हाँ अगर मन लगा के पढ़ हो मेरे साथ तो बहुत आसान लगेगा दो घंटा हुआ है हमें दो घंटे में हमने मेन कोर पार्ट हमने सीख लिया भी। और बिडास अलग रखना है ध्यान रहे और कन्वर्सन अलग रखना है बताओ ये है अब मैं उल्टा भी सिखा रहा हूं देखो मान लो ये मैं कहता हूं सही है अब मुझे एक चीज और आपको बताना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बेच के आपको इतना एयूडी खरीदने को मिल रहा है ध्यान से दोनों अगर आप फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बेचोगे तो आपको इतना एयूडी खरीदने को मिल रहा है अब अगर मान लो मैं 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 पहले ये कहता, मैं पहले से ये कहता कहता से कि मैं 3, 3, 2, 4, 4 खरीदूंगा तो कितना डॉलर बेचना पड़ेगा बात वही बात सेम ही है मैं सेम ही बात बोल रहा हूँ मतलब मैंने पहले यह बोला फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बेचने पर इतना एयूडी खरीद पाऊंगा अब मैं उल्टा घुमा दे रहा हूँ क्वेश्चन को मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इतना एयूडी खरीदने के लिए कितना डॉलर बेचना पड़ेगा आप बोलो सर क्या मजाक करो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है डॉलर तो बेचना पड़ेगा जी पर पर हम हम इसको इसको निकालेंगे पर इसको भी हम निकालेंगे निकालेंगे भी मेहनत करके एकदम सही है आप बोलो आप अगर बोलोगे हाँ आप बोलो सर मजाक करो फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बेचने पर इतना एयूडी खरीद पा रहे हम तो इतना एयूडी खरीदने के लिए ऑब्वियस सी बात है फिफ्टी थाउजेंड डॉलर बेचना पड़ेगा मैंने राउंड ऑफ कर दिया बस इसको डबल थ्री टू फोर थ्री पॉइंट नाइन वन को डबल थ्री टू डबल फोर मैंने राउंड ऑफ कर दिया सिंपल सी बात है है ना तो बस मैं इसको सॉल्व करके हम लोग करेंगे एयूडी तो है अब एयूडी कहां पर है एकदम नीचे में उल्टा जाना पड़ेगा तो देखो एयूडी को कन्वर्ट करना है कोट भी दिया हुआ एयूडी का तो टू जीरो टू से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा AUD को कन्वर्ट करना है कोड भी एयूडी का दिया हुआ है तो टू जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड होगा तो डिवाइड करूंगा नाइनटी फाइव से तो ये एसजीडी बन जाएगा अब एस जी डी को कन्वर्ट करना है कोड देखो अब उल्टा जा रहा हूं मैं उल्टा जा रहा हूं क्योंकि एयूडी यहां पर था यहां से शुरुआत हो रही है तो एयूडी को मैंने कन्वर्ट किया एन पे है ना डी का कोड दिया हुआ है तो येन पे कन्वर्ट हुआ अब येन को मैं एसडीडी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो येन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कोर्ट एसडीडी का दिया हुआ तो मैंने डिवाइड किया तो ये एसडीडी बन गया अब एसजीडी को कन्वर्ट करना है कोड भी एसडीडी का दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करते ये रुपया बन गया अब रुपया को कन्वर्ट करना है कोड भी मजेदार की बात है सॉरी रुपया को कन्वर्ट करना है कोड किसका दिया हुआ है रुपया का ही कोड दिया हुआ है तो फिर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई करते अब ये यूरो बन गया अब यूरो को हमें करना है कन्वर्ट पर कोट दिया हुआ है आप देखो पाउंड का यानी यूरो का कोट नहीं दिया हुआ है, तो डिवाइड होगा इससे डिवाइड करते ये बन गया क्या पाउंड अब पाउंड को कन्वर्ट करना है और कोट दिया हुआ है किसका पाउंड का ही कोट दिया हुआ है रुझ जो, रुझ जो, रुझ जो। पाउंड को कन्वर्ट करना है भी पाउंड का दिया तो हो, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा जगह की कमी हो वन पॉइंट टू टू से मल्टीप्लाई करते डॉलर बन जाएगा तो कितना डॉलर आ रहा है बता दो कितना डॉलर आ रहा है बात है चेक कर लो फिफ्टी थाउजेंड डॉलर

वाओ यस नाइस टू सी अच्छा आपस में बातें कर रहे हो चलो करो कोई नहीं तो अब देखो यहाँ पर आप अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ देखो यहाँ पर भी देखो मुझे छः बैंक का पाँच बैंक का सॉरी डेटा दिया हुआ मुझे पाँच बैंक का डेटा दिया हुआ है मेरे पास डॉलर फिफ्टी थाउजेंड इन हैंड है मुझे यूरो बाई करना है मेरे ख्याल से अभी खुद भी कर लोगे चलो फिर भी मैं कराता हूँ डॉलर फिफ्टी थाउजेंड बेचना है मुझे और बेचने खरीदने का तो काम मैंने कर ही लिया अब तो मुझे कन्वर्सन करना है याद है वो कसम जो आपने खाई थी आपने कसम खाया था कि कन्वर्सन करते समय सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में सोचेंगे बिडास के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि वो हम पहले ही कर चुके होंगे विडास अलग से करना है कन्वर्सन अलग से करना है दोनों को मिलाओगे घटना घटेगी घटना घटी की आप बर्बाद हो जाओगे आप बस ये देख लो तो यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड डॉलर को कन्वर्ट कर रहे हैं कोट है देखो डॉलर ये रहा नीचे नहीं ऊपर है डॉलर ऊपर है कोट है रुपया का दिया हुआ है तो डिवाइड होगा पॉइंट जीरो 0.019 से डिवाइड करते ही रुपया बन गया अब रुपया को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है रुपया का नहीं दिया हुआ कोट तो फिर से डिवाइड होगा अब ये बन जाएगा क्या पाउंड पाउंड को कन्वर्ट करना है कोट फिर से पाउंड का दिया हुआ नहीं येन का दिया हुआ तो फिर से क्या होगा डिवाइड होगा अब ये बन गया पूरा का पूरा येन अब येन को कन्वर्ट करना है कोट येन का दिया हुआ तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा अब ये बन जाएगा एसजीडी अब एसडीडी को कन्वर्ट करना है पर कोड दिया हुआ यूरो का तो फिर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा पॉइंट सिक्स सिक्स हो जाएगा तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा आप ऐसा मत करना एग्जाम में कि राइट वाले सारे डिवाइड कर देता हूं लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई कर देता हूं ऐसा काम मत करना बर्बाद हो जाओगे कहां गलती होगी आपको भी पता नहीं चलेगा तो ये सब शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा भी नहीं आप करना भी मन ये तो आप तो सोचोगे सर देखो ना सारे राइट वाले जो है वो देखो सारे डिवाइड हो रहे हैं लेफ्ट वाला जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ये सोचने में ही बर्बादी हो जाएगी आपके ये सोचने में बर्बादी हो जाएगी क्योंकि अगर मैं सेकेंड अलग उल्टा पॉइंट ऑफ व्यू रखता तो बर्बाद हो जाता तो इसलिए ऐसा सोचो ही मत अभी फिलहाल के लिए तो ऐसा सोचो मत एक बार पूरे पक्के स्ट्रांग बन जाओ फिर वो सब शॉर्टकट सोचना अगर मन होगा तो इसका आंसर आप खुद से निकाल लोगे आई थिंक आप खुद से निकाल लोगे अब मैं दूसरा आपको करवाता हूँ अब मैं दूसरा आपको करवाता हूँ ये वाले का आंसर मुझे बता दो निकाल के निकाल लिया थ्री सिक्स फोर थ्री वन यारूरो और अब उल्टा करके कर भी वेरीफाई कर लेना अब थ्री सिक्स फोर थ्री वन को कन्वर्ट करोगे तो डॉलर फिफ्टी थाउजेंड आ जाएगा आप चेक कर लीजिएगा चलो अब ये वाले करवा देता हूँ मैं आपको फिर तो आई थिंक कोई दिक्कत है नहीं ये वाले करवा देता हूँ मैं आपको अब देखो मुझे फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ को बाई करना है मेरा अमाउंट इन हैंड जो है वो कितना एन है मेरे पास है, येन हाथ में तो मैंने वो येन बेच के पाउंड खरीदा था याद होगा आपको मेरा पेन का चार्ज खत्म हो गया ये देखो मैंने पहले येन को बेच के पाउंड खरीदा था दिख रहा है आपको स्क्रीन पे फिर पाउंड को बेच के डॉलर खरीदा था फिर डॉलर को बेच के एयूडी खरीदा फिर एयूडी को बेच के एसजीडी खरीदा फिर एसजीडी को बेच के यूरो खरीदा फिर यूरो को बेच के मैंने सीएचएफ खरीदा तो ये सारा मैंने बिडास का काम तो कर लिया अब कन्वर्सन करते समय क्या मैं बिडास के बारे में सोचूंगा मैं नहीं सोचूंगा कन्वर्सन करते समय बिडास के बारे में तो मैं कैसे करूंगा देखो मैं बोलूंगा फिफ्टी थाउजेंड सीएचएफ कन्वर्ट करने चलो मैं नीचे ले लेता हूं कहां पर है सीएचएफ ये रहा नीचे

अब ये बन गया पूरा एसजीडी यूरो बन गया अब एस जी डी अब एस जी डी को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है भाई एयडी का एस जी डी का नहीं दिया हुआ मतलब डिवाइड और जो हाईलाइट किया हुआ उससे डिवाइड होगा तो ये करते अब ये बन गया क्या एयूडी बन गया अब एयूडी को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है डॉलर का एयूडी का नहीं दिया हुआ आगे वाले बैंक में है ना कोट दिया हुआ डॉलर का तो फिर से वन पॉइंट वन जीरो डिवाइड होगा अब ये करते बन गया पूरा डॉलर तो डॉलर को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ है पाउंड का डॉलर को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ पाउंड का तो फिर से डिवाइड ये कर दिया हमने ये करते ये बन गया पूरा का पूरा क्या पाउंड अब पाउंड को कन्वर्ट करना है कोट दिया हुआ पाउंड का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन नाइनटी तो आप ये समझो आप अगर वही अगर बिडास कोर कन्वर्सन को यहां पर मिला के देखना एक बार आप गलती कर बैठो और कन्वर्सन को मिला के देखो कि आप गलती कर बैठोगे आप बोलोगे देखो पहले तो सी एच एफ को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आप क्या सोचोगे पता है यहाँ पर गलती कैसे होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ एक साथ करने पर आप बोलोगे फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो सी एच एफ को कन्वर्ट करूंगा पहले यूरो में तो सी एच एफ बेचूंगा सी एच एफ का कोड दिया हुआ बेचूंगा मतलब इस रेट पे आप पॉइंट जीरो पक्का अभी ये करोगे क्योंकि आपको देखिएगा फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ कन्वर्ट करना है है ना तो कन्वर्ट करने के लिए आप सोचोगे अच्छा CHF को पहले यूरो में कन्वर्ट करना है।, आप है हम तो फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ खरीदना चाहते हैं हम बेचना कहाँ चाहते हैं और आप कन्वर्सन करते समय बिडास को बीच में ले आओगे आप अगर आप बर्बाद हो जाओगे अब देख लो अगर आपको मतलब बिडास और कन्वर्सन दोनों को मिलाना है और ये वाला क्वेश्चन में आप गलती हंड्रेड परसेंट कर इसलिए मैंने कहा पहले देख लो क्या खरीदना बेचना है वो करने के बाद कन्वर्सन करते समय खरीदने बेचने के बारे में नहीं सोचना मैं लिख देता यहां पर एट द टाइम ऑफ कन्वर्सन नेवर थिंक अबाउट पिड जस्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड ठीक है एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड या फिर आई सी आई की कसम और अगर आप बोलोगे तो इसकी कसम बॉस की कसम जो तो आपका एम्प्लॉयर है।, है ना चलो जी आप देखो यहां पर अब मुझे आप बता दो इसका आंसर कितना आ रहा है आंसर कितना आ रहा है मुझे बता दो वन डबल जीरो डबल फाइव फोर एट ये क्या आएगा एन है ना इतना यन बेचना पड़ेगा इन्हीं अगर हम इतना यन बेचेंगे तो हमें फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ मिलेगा इतना ये हमें फिफ्टी थाउजेंड सी एच एफ मिलेगा बात सर प्रिंसिपल का कॉल आ गया गया मैं जिंदा हूँ कंसेप्ट समझ आ गया सही है प्रिंसिपल का कॉल आएगा वो आपको देंगे ठीक से अभी तो अब मैंने पूरा आज की क्लास में तो मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट समझा दिया बिडास कर्सन वगैरह सब कुछ समझा दिया कोई बात नहीं आज की क्लास हम शॉर्ट ही रखते ढाई घंटा की क्लास हमने रखा शॉर्ट रखते हैं और कल की क्लास में अब हम बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे अब हम कल की क्लास से बहुत अच्छे से आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे फटाफट से हम कवरेज करेंगे कल की क्लास से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मुझे सिखाना था एक अप्रीशिएशन ड्रीशिएशन और दूसरा बिडास कन्वर्सन तो आज का मैं क्रक्स आपको बताता हूँ आज मैंने क्या क्या सिखाया आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं सिखाया पहले एप्रिशिएशन ड्रीशिएशन सिखाया जिसे प्रीमियम डिस्काउंट भी बोल सकते हो आप वहां पर मैंने आपको ये कहा था पहले तो मैंने कंसेप्ट ये सिखाया था कि रुपये पर डॉलर एटी एटी मतलब 80 वन. तो डॉलर का भाव क्या है एट्टी है और रुपया का भाव क्या वन बाई एटी तो डॉलर अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो न्यूमरेटर में प्लस या माइनस करोगे रुपया इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस करोगे ये मैंने आपको सिखा दिया फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी सिखाया कि एक करेंसी अगर एप्रीशिएट करेगा तो दूसरा डेप्रिशिएट करेगा वो कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से सिखाया मैंने बोला हंड्रेड प्लस अगर टेन परसेंट अप्रिशिएट करें हंड्रेड टेन होगा फिर से हंड्रेड में पहुंचाओ तो देखो कितना डप्रिशिएट हो रहा है आपका डप्रिशिएट निकल जा जाएगा अगर हंड्रेड में टेन परसेंट अप्रिशिएट हो रहा है तो हंड्रेड से नाइन्टी होगा फिर से नाइन्टी से हंड्रेड में पहुंचाओ तो कितना अप्रिशिएशन हो रहा है पता चल जाएगा तो अप्रिशिएशन अगर है तो डॉप्रिशिएशन निकालोगे डॉप्रिशिएशन अगर है तो अप्रिशिएशन ये अप्रिशिएशन सिखाया फिर मैंने आपको पढ़ाया बिडास कन्सन बिडास करते समय मैंने बोला आप रो रो के कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे अगर रुपी पर डॉलर फिफ्टी ऑब्लिक फिफ्टी टू दिया हुआ है ये भाव डॉलर का दिया हुआ है तो डॉलर महंगा में खरीदेंगे सस्ता में बेचेंगे डॉलर महंगा में खरीदेंगे सस्ता में बेचेंगे तो रुपया अगर रुपया खरीदना है तो उस पर डिसीशन मत लो रुपया खरीदना मतलब डॉलर बेचना और डॉलर बेचेंगे सस्ता में रुपया बेचना मतलब डॉलर खरीदेगा रुपया बेचना मतलब डॉलर खरीदेंगे डॉलर खरीदेंगे महंगा पे ये मैंने आपको समझा दी एकदम अच्छी तरीके से बिडास आपको मैंने क्लियर कराया है और उसी तरीके से मैंने आपको बहुत सारे बिडास आपको समझाए कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका ये देखो कि किसको खरीदना है अगर जिसका कोट दिया हुआ उसको खरीदना है महंगा उसको बेचना सस्ता जिसका कोट नहीं दिया हुआ उसको खरीदना बेचना है तो पहले कोर्ट में पहुंचो है ना और फिर डिसीजन लो आप समझ में आया फिर बात आती है कन्वर्सन की

बात खत्म आज का इतना ही रक्स था जो लास्ट में मैंने आपको रिवाइज भी कर तो आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड इसका बोर्ड नोट जो है ये आपको गूगल ड्राइव में मैं डाल दूंगा मैं अभी ही डाल देता हूं आज के और अब आपका कोई क्वेरी है कुछ भी है तो मुझे पूछ सकते हो गूगल ड्राइव में मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन मैं डाल रखा हुआ है और जो भी नोट्स है वो भी मैं गूगल ड्राइव में डाल दिया करूंगा चलो तो मैं ये गूगल ड्राइव में डाल देता हूं अभी के अभी क्लास के साथ साथ ही डाल दिया तो पहली क्लास आप यूट्यूब से देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर में अभी अपलोड नहीं होगी बाकी रेगुलर कल सॉफ्टवेयर में क्लास होगी एंड कल से रेगुलर आपका सॉफ्टवेयर में चलेगा एंड मैं आपको मोबाइल नंबर फिर से दे दूंगा अगर किसी को सॉफ्टवेयर में एक्सेस नहीं मिला कोई परेशानी है तो वो बात कर सकते हैं टीम से बोलो जी समझ में आया मजा आया एकदम अच्छे से बोलो अंकिता जी जिसको भी सॉफ्टवेयर का लिंक नहीं मिला मैं एक नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे कॉल करोगे आप और अपना पेमेंट स्क्रीन जो भी पेमेंट किया और ऑर्डर नंबर दोनों बता दोगे वो आपको दे देंगे मैं नंबर आपको दे रहा हूँ मैंने टेलीग्राम में दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक है लिंक से आप टेलीग्राम में भी जा सकते हो टेलीग्राम में भी मैंने टीम का नंबर दिया हुआ आप ले लो सॉफ्टवेयर का एक्सेस जिसको भी नहीं मिला है सेवन एट सिक्स फाइव नाइन सिर्फ वही लोग कॉल करना सेवन एट सिक्स फाइव नाइन थ्री टू डबल एट सेवन इसमें कॉल करना ठीक है कल की क्लास टाइमिंग में बता देता हूँ कल एफ आर होगा टेन थर्टी एम को और एस एफ एम होगा फोर थर्टी पी एम को कल से रेगुलर ये टाइम रहेगा आज पहला दिन था कल एफ आई आर टेन थर्टीएम को, एस थर्टी पी एम को जिसको क्लास लेनी है वो हमारे वेबसाइट प्रतीकतीम से ले सकते बैच अगर आपको क्लास लेनी है आप हमारे वेबसाइट प्रतीक जगाती डॉट कॉम से ले सकते हो आज की क्लास यूट्यूब में थी कल से यूट्यूब में नहीं रहेगी क्लासेस अच्छा मैंने तो लगाया नहीं रुक जाओ गलती हो गई गलती हो गई मेरे से एक्सट्रीमली सॉरी माफ करना मुझे ये देखो, मोबाइल इस नंबर पे कॉल करना जिसको सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं मिला है और एस इस टाइमिंग में हमारी रूट चलेगी, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो एट दी रेट मेरे टेलीग्राम में वो भी दिया हुआ मैंने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपना आईडी दिया हुआ है यूजर नेम प्रतिकेट प्रत्येक जगह किंग में आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो अगर रिप्लाई नहीं मिला तो मिल जाएगा एक्चुअली बहुत फ्लडेड हो गया मैसेजेस से तो मैं नहीं रिप्लाई कर पाया इतने सारे मैसेजेस हो गए तो फिर भी मैं देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इस पर मैसेज कर देना कोई क्वारी हो तो साढ़े चार बजे से सात बजे तक चलेगा साथ मैक्सिमम सेवन फिफ्टीन ढाई घंटे से दो घंटा चालीस मिनट पैंतालीस मिनट की हमारी क्लासेस होगी ठीक है डन सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत मजा आया एंड अगर आपको मजा आया तो लास्ट में जाते जाते एक काम जरूर से कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग को मजा आ आया रहा, समझ में आया डेली लेक्चर्स ढाई घंटे टू, टू, टू पॉइंट फाइव आवर्स के आसपास ढाई घंटे से दो घंटा पैंतालीस मिनट इतने की डेली लेक्चर चलेगी संडे एक दिन तो ऑफ रखेंगे एक दिन तो हम ऑफ रखेंगे ठीक है नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा और आपको पसंद है तो ज़रूर से लाइक जरूर कीजिएगा नहीं पसंद है तो मत लाख की, लाइक कीजिएगा लेकिन पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा यस yes, सतिया जी नहीं ऐसा कोई अभी कुछ प्रिंट मत करो अभी से प्रैक्टिकल चैप्टर वाइज सोचो आप है ना क्वेश्चन बैंक आपको प्रिंट करा लेना है एफ आर का भी और एस एफ एम का क्वेश्चन बैंक प्रिंट करा लेना नोट्स क्लास के साथ साथ जैसे जैसे उसको रखो प्रिंट कराओ खुद प्रैक्टिस करो और अभी आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको आज आपका होमवर्क क्या रहेगा ये सारे क्वेश्चन जो है ये सारे जो कंसेप्टो रिकॉल करोगे और कोई होमवर्क नहीं आज कल से मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको भी होमवर्क दूंगा और बाकी क्वेश्चन अब कराऊंगा तो एल मार्क भी करवा दूंगा क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना FR और SFM दोनों में मार्क करवाते रहूंगा साइड साइड साथ चलते रहेगा वो तो आई थिंक अब हम अलविदा ले सकता हूं मैं नरेश जी ठीक है कोशिश करूंगा मैं कि बीच में गैप दूं आप लोगों को कल से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बीच में कुछ नोट्स लिखने का कुछ करने का थोड़ा समय देने की कोशिश करूंगा ज्यादा तो समय नहीं दूंगा पर थोड़ा देने की कोशिश जरूर करूंगा तो बोलिए ठीक है हाँ पूरा हम बेस्ट कोशिश करेंगे कवर करने का अच्छी तरीके से हालांकि बाकी आप भूलना मत ये फास्ट है बैच है ठीक है चलो धवल जी लव यू सो मच आपको भी लव यू टू ठीक है ऑडियो रिविजन मिलेगा मैंने फोर थर्टी का कमिट किया हुआ सबको तो फोर थर्टी रखना पड़ेगा ना पहले से वही कमिटमेंट किया हुआ है एंड जो भी लाइव नहीं देखना चाहता वो रिकॉर्डेड देख सकता है बाद में ये क्लासेस रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी सॉफ्टवेयर में अगर आपको लाइव नहीं देखना है, तो बाद में चलो बाय कल मिलते हैं कल और बेस्ट रहेगा किसी को भी अगर कोई क्लासेस में मैं तो बोल रहा हूं कि आराम से करो एफ आर सुबह करेंगे आराम से ओले ओले एफ आर एस एफ एम रेगुलर बेसिस में हो जाएगा साथ साथ में खत्म हो जाएगा Done? 拜拜